हेलो गाइज, वेलकम टू हिंदी 24। हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन शुरू करें इससे पहले, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल हिंदी 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लिक करें रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप उसका फायदा उठा सकें। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। राजस्थान जीके के क्वेश्चन है, नदी एवं बांध से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर एक, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है चंबल, लूनी, बनास, माही। यह राजस्थान की नदियों का अवरोही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी के किनारे निर्मित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं से घिरा ऐतिहासिक महत्व का दुर्ग है। इस क्वेश्चन का आंसर है शेरगढ़ का किला, जो चंबल नदी के किनारे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं से घिरा एक ऐतिहासिक महत्व का दुर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है तथा जो पूर्वी पंजाब से राजस्थान में बहती थी, इसका आंसर है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और यह वर्तमान में लुप्त हो चुकी है। अब जो घग्गर नदी है उसे प्राचीन सरस्वती नदी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है, सांभर, लूणकरणसर, पंचभद्रा और कायलाना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कायलाना, जोधपुर है, ये मीठे पानी की झील है। सांभर है ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लूणकरणसर झील है ये बीकानेर में, ये भी खारे पानी की, और पंचभद्रा बाड़मेर में, ये भी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी एक नदी सिर्फ पश्चिमी राजस्थान में बहती है, इसका आंसर है लूणी नदी। ऐसी नदी है जो सिर्फ पश्चिमी राजस्थान में बहती है। लूणी नदी की का उद्गम है ये अजमेर के नाग पहाड़ से होता है और बालोतरा तक इसका जल है वो मीठा होता है। उसके बाद में भूमि की लवणता मिल जाने की, भूमि के जो लवणीय तत्व हैं वहाँ से मिल जाते हैं और इसका जो जल है वो खारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहाने के उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम है, इसका आंसर है जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर। जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध है ये राजस्थान में है, गांधी सागर बांध है ये एमपी में स्थित है और ये चंबल नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा बांध भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध स्थित है, इसका आंसर है रावतभाटा। राणा प्रताप सागर बांध है ये रावतभाटा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीकर जिले में कौन सी नदी का उद्गम स्थल है, इसका आंसर है कांतली नदी का उद्गम स्थल है वो सीकर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोठारी मेजा बांध, बनास, बिशलपुर, माही बजाज सागर और जाखम उदय सागर में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है जाखम उदय सागर, ये सुमेलित नहीं है। जबकि कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है, बनास नदी पर बिशलपुर बांध बना हुआ है, माही नदी पर बजाज सागर बांध बना हुआ है और जाखम नदी पर जाखम बांध बना हुआ है, उदय सागर नहीं बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावी नदी का उद्गम किस जिले में है, इसका आंसर है जयपुर जिले में रावी नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माना सागर, उम्मेद सागर, कोलायत और पंचभद्रा में से कौन सी एक खारे पानी की झील है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है पंचभद्रा, जो कि बाड़मेर जिले में स्थित है, यह एक खारे पानी की झील है। जबकि माना सागर, उम्मेद सागर और कोलायत झील है, ये सभी मीठे पानी की झीलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नहर परियोजना की योजनाकार कौन थे, तो इसका आंसर है कंवर सेन, राजस्थान नहर परियोजना के प्रमुख योजनाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास, चंबल, लूणी और राजसमंद में से कौन सा एक असंगत है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजसमंद। बनास, चंबल और लूणी नदियां हैं जबकि राजसमंद है ये एक जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सॉरी, राजसमंद झील भी है राजसमंद में और राजसमंद जिला है, और इसके अलावा बनास, चंबल, लूणी ये सभी नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल, बनास, माही और काली सिंध में से किस नदी का जल अरब सागर में गिरता है, इसका आंसर है माही नदी का जल अरब सागर में गिरता है, जबकि चंबल, बनास और काली सिंध नदियों का जल है वो बंगाल की खाड़ी में के क्रम में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर है बनास नदी के किनारे गिलुंड सभ्यता स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आना सागर झील स्थित है? इसका आंसर है अजमेर जिले में आना सागर झील स्थित है। नेक्स्ट, कांतली, काकनी, राठी और बनास में से कौन सी एक आंतरिक प्रवाह नदी नहीं है? इसका आंसर है बनास नदी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है, ये बंगाल की खाड़ी क्रम में मिलने वाली नदी है, जबकि कांतली, काकनी और राठी ये नदियाँ अंतर प्रवाही नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजसमंद अर्थात राजसमुंदर झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है? इसका आंसर है गोमती नदी पर। राजसमंद झील का निर्माण राजसिंह के द्वारा गोमती नदी पर किया गया। इस झील का एक भाग नौचौकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका आंसर है हरि के बैराज। 2 नवंबर 1984 ईस्वी को राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। इंदिरा गांधी नहर के लिए प्रेरणा गंगा नहर से मिली। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का श्री गणेश सर्वज्ञ श्री गोविंद वल्लभ पंत ने 31 मार्च 1958 ईस्वी को किया। आपको बता दें कि गंग नहर राजस्थान की सबसे प्राचीन नहर है, जिसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था और यह राजस्थान की पहली और सबसे पुरानी नहर परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध डिग्गी तालाब स्थित है? इसका आंसर है टोंक। डिग्गी तालाब है ये टोंक जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगमंदिर व जगन्निवास महल किस झील पर स्थित है? इसका आंसर है जैसमंद झील। जगमंदिर और जगन्निवास महल ये जैसमंद झील पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 प्रतापगढ़, दोसा और भरतपुर में से किस एक जिले में जाखम नदी बहती है? इसका आंसर है प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मेद सागर जोधपुर, नवलखा कोटा, जैसमंद झील उदयपुर तथा पन्नालाल साहा तालाब झुंझुनू में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसका आंसर है नवलखा तालाब है ये कोटा में स्थित नहीं है, जबकि उम्मेद सागर जोधपुर में है, जैसमंद झील उदयपुर में, पन्नालाल साहा तालाब झुंझुनू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर कौन सी झील के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है सिलीसेड के लिए अलवर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाई बांध किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है पाली जिले में जवाई नदी पर जवाई बांध का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांभर, लूणकरणसर, डिडवाना और पंचपदरा में कौन सी खारे पानी की झील बाड़मेर में स्थित है? तो इसका आंसर है पंचभद्रा झील बाड़मेर में है, जबकि सांभर झील जयपुर में, लूणकरणसर बीकानेर में और डिडवाना नागौर जिले में स्थित हैं। सवाई बांध का निर्माण 1946 ईस्वी में जोधपुर रियासत के महाराजा उदय सिंह उम्मेद सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजसमंद, जैसमंद, पुष्कर और डीडवाना में से कौन सी एक खारे पानी की झील है? इसका आंसर है डीडवाना झील है ये खारे पानी की झील है, जबकि राजसमंद झील मीठे पानी की झील है, जैसमंद झील पुष्कर झील। राजसमंद झील राजसमंद में स्थित है, जैसमंद उदयपुर में और पुष्कर झील है ये अजमेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलता झील किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है जयपुर जिले में। नेक्स्ट, बाबा का भांगड़ा प्यारी आदि का संबंध है? इसका आंसर है जैसमंद झील से बाबा का भांगड़ा और प्यारी जैसमंद झील में टापू हैं। जैसमंद झील का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वारा 7वीं शताब्दी में करवाया गया, जो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इस पर 7 टापू हैं, जिनमें सबसे बड़ा टापू है बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटा टापू है वो प्यारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक है? इसका आंसर है बनास नदी का। राजस्थान में बहाव क्षेत्र के आधार पर बनास नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास, पार्वती, कालीसिंध और जाखम में से कौन सी नदी चंबल प्रवाह से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है जाखम नदी। जाखम नदी है ये माही नदी प्रवाह क्षेत्र से संबंधित है, जबकि चंबल नदी प्रवाह क्षेत्र से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह से जुड़ी हुई है? इसका आंसर है चंबल नदी। चंबल नदी का प्राचीन नाम चरमनवती है, इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है और यह एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान की सदावाहिनी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचभद्रा झील स्थित है? इसका आंसर है बाड़मेर जिले में। पंचभद्रा झील खारे पानी की झील है और यह राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। यहाँ पर जो
लवण बनाने वाली जाति है वो मोरली झाड़ी से नमक का निर्माण करती है, और पंचभद्रा झील का नमक है वो खाने की दृष्टि से सबसे उत्तम दृष्टि का नमक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी राजस्थान व मध्य प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो इसका आंसर है चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों की मध्य सीमा बनाती है? तो ये नदी है माही नदी। माही नदी का उद्गम स्थल धार मध्य प्रदेश में है। इसे दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है। यह कर्क रेखा को दो बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी पर मेजा बांध बना हुआ है? तो इसका आंसर है कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है। कोठारी नदी का उद्गम स्थल दीवेर राजसमंद की पहाड़ियों से है, और कोठारी नदी पर मेजा बांध का निर्माण भीलवाड़ा जिले में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसागर झील जो कि बूंदी के उत्तर दिशा में लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर है, वह पक्षियों की किन प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है सारस क्रेन। रामसागर झील और केवला देव घना पक्षी विहार है, इन दो स्थानों को आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है, और यह सारस क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी बेसिन किस क्षेत्र में है? इसका आंसर है गोडवाड़ क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वर्तमान में मौजूद किस नदी का प्राचीन नाम सरस्वती था? इसका आंसर है घग्गर नदी। वर्तमान में जो घग्गर नदी है उसका प्राचीन नाम सरस्वती था, और सरस्वती नदी का वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1743 से 1746 के बीच झील महल अर्थात लेक पैलेस का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका आंसर है महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेक पैलेस उदयपुर किस झील पर समूचे द्वीप से आच्छादित है? इसका आंसर है पिछोला झील पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैब सागर झील किस जिले में स्थित है? गैब सागर झील है वो राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बहने वाली माही नदी किसके द्वारा अरब सागर में गिरती है? तो इसका आंसर है बंगाल की खाड़ी के द्वारा। राजस्थान में बहने वाली माही नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है, उसके बाद अरब सागर में इसका मिलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी पर बने चार बांधों में से पहला बांध जो राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित है, तो वो है गांधी सागर बांध, और यह चंबल नदी पर निर्मित सबसे बड़ा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का मुख्य जिला कौन सा है जहाँ कुओं और नलकूपों से भूमि को सींचा जाता है? तो वो जिला है अलवर जिला। किस नदी घाटी में कादम्बरी थुला खेर और भंडारा परियोजना स्थित है? कादम्बरी थुला खेर और भंडारा परियोजना ये सुकुड़ी नदी घाटी में स्थित है। मध्य भारत में चंबल की लंबाई कितनी है? तो मध्य भारत में चंबल की कुल लंबाई है 960 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बहने वाली लूणी नदी अंत में कहाँ समाप्त होती है? लूणी नदी है वो अंत में कच्छ के रण में समाप्त होती है। लूणी नदी का उद्गम स्थल नाहरगढ़ अजमेर में है। लूणी नदी का जल बालोतवार बाड़मेर तक मीठा रहता है और बाद में खारा हो जाता है, तो इसीलिए इसे आधी खारी और आधी मीठी नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, स्थानीय भाषा में शेखावाटी क्षेत्र के कुओं को किस नाम से जाना जाता है? शेखावाटी क्षेत्र के कुओं को जोहड़ के नाम से जाना जाता है। कौन सी झील राजस्थान की सबसे बड़ी लवणीय झील है? सांबर झील है ये राजस्थान की सबसे बड़ी लवणीय झील है, ये जयपुर जिले में स्थित है। आलणिया बांध राजस्थान के किस जिले में है? यह कोटा जिले में है। आलणिया बांध राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। जैसमंद झील जो एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील राशि है का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जैसमन झील का निर्माण मेवाड़ के महाराजा जयसिंह के द्वारा 7वीं शताब्दी में करवाया गया था। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में आपको सबसे बड़ी कृत्रिम झील मिलेगी जिसे ढेबर झील कहा जाता है? इसका आंसर है राजस्थान में सबसे बड़ी देश की कृत्रिम झील जो कि जैसमन झील या ढेबर झील के नाम से, सॉरी पिछोला झील जिसे डेबर झील भी कहा जाता है के नाम से जानी जाती है, और यह भारत के राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध डिग्गी तालाब स्थित है? इसका आंसर है सॉरी ये टोंक में स्थित है, यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया, गलत हो गया, ये राजस्थान के टोंक जिले में स्थित है। नेक्स्ट, बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र किस जिले में है?
इसका आंसर है टोंक जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाखम डैम राजस्थान के किस जिले में है? जाखम डैम है, जो जाखम बांध है वो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में है। नेक्स्ट, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है तो वो है सांबर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोम नदी निकलती है, सोम नदी बिछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। सोम नदी उदयपुर व डूंगरपुर जिले की सीमा बनाती है और इसकी सहायक नदियाँ हैं जाखम, गोमती व सारनी। नेक्स्ट, राजस्थान की किस झील को टॉड रॉक के रूप में भी जाना जाता है? तो वो झील है नक्की झील। नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। इस झील के किनारे रघुनाथ जी का मंदिर है और यह राजस्थान में माउंट आबू में स्थित है। नेक्स्ट, राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? राजस्थान में घग्गर नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है। डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा किस नदी के विपरीत किनारे पर बसे हुए हैं? तो वो है माही नदी के विपरीत किनारे पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा बसे हुए हैं। कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? यह टांका निर्माण की विधि। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण के लिए टांकों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा बैराज का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया? उद्योगों की जल आपूर्ति हेतु कोटा बैराज का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसी वाक्कल नदी का उद्गम स्थल है गोगुंदा की पहाड़ियों से, मानसी वाक्कल नदियाँ निकलती हैं। नेक्स्ट, गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करने वाला शासक था? महाराणा राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, राजस्थान की बारहमासी नदी है, राजस्थान की बारहमासी नदी है वो चंबल नदी है। राज्य की सबसे लंबी नदी है चंबल नदी है, राजस्थान की सबसे लंबी। लेकिन बहाव क्षेत्र के आधार पर सबसे ज़्यादा जो जल का बहाव है वो बनास नदी का राजस्थान में बहता है। नेक्स्ट, बांसवाड़ा जिले में खाटू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो वो है माही नदी। बांसवाड़ा जिले में खाटू के निकट माही नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान की पवित्र झील है वो पुष्कर झील। पुष्कर झील राजस्थान की सबसे प्राचीन और पवित्र व प्राकृतिक झील है। इसके किनारे ब्रह्मा जी का मंदिर है। पुष्कर झील में जमा मिट्टी 1997-98 में कनाडा सरकार की आर्थिक सहायता से निकाली गई है। मेजा बांध कहाँ स्थित है? मेजा बांध भीलवाड़ा में स्थित है और ये कोठारी नदी के ऊपर बनाया गया है। जवाहर सागर बांध किस जिले में है? तो कोटा बूंदी जिले में जवाहर सागर बांध स्थित है। किस नदी को बांगड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? जवाई नदी को बांगड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थोड़ा कन्फ्यूजल प्रश्न है। ये माही नदी को बांगड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है, ना कि जवाई नदी को। नेक्स्ट, राजस्थान की वह नदी जो दक्षिण की ओर बहती है तो वो नदी है चंबल नदी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को किस बांध से पानी मिलता है? तो इसका आंसर है हरिके बांध से। सोम सॉरी सतलज व्यास नदियों के द्वारा हरिके बांध के निर्माण से इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पानी मिलता है। कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? ढूंढ नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है। निम्न में से कौन सी झील उदयपुर में नहीं है? राजसमंद झील उदयपुर में नहीं है, ये राजसमंद में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर योजना में लाभान्वित होने वाले राजस्थान के जिले हैं? इंदिरा गांधी नहर योजना द्वारा राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू एवं जोधपुर जिले लाभान्वित होते हैं। तो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। राजस्थान के पशुधन में किस जानवर का प्रतिशत सर्वाधिक है? इसका आंसर है बकरियां। राजस्थान में पशुओं में सबसे ज्यादा संख्या बकरियों की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा किस संभावित स्थान को चीता पुनर्वास योजना के लिए चुना गया? इसका आंसर है सहागढ़ जैसलमेर। नेक्स्ट, पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार के नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत ली गई झकराना, सिरोही एवं मारवाड़ी नस्लें संबंधित हैं बकरियों से। कुल पशुधन की संख्या की दृष्टि से प्रथम जिला है बाड़मेर जिला। मालानी ग्राम किस नस्ल की गाय की उत्पत्ति स्थल है?
इसका आंसर है थारपारकर नस्ल की गाय की उत्पत्ति के लिए मालाणी गांव प्रसिद्ध है। यह राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। बीकानेर, जैसलमेरी, मारवाड़ी और पूगल किसकी नस्लें हैं? ये सारी नस्लें हैं, ये भेड़ की नस्लें हैं। जैसलमेर मरुस्थल की गाय बैलों की मुख्य नस्ल है। इसका आंसर है थारपारकर। जैसलमेर मरुस्थल में गाय की मुख्य नस्ल थारपारकर है। गिर व राठी संबंधित है। गिर और राठी नस्लें हैं, ये गाय से संबंधित हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, ये गलत प्रिंट हो गया है, तो आप इसे गाय पढ़ें। गिर व राठी है, ये गाय से संबंधित है। चोकला, मकरा, नाली व सोनाड़ी में से भेड़ की कौन सी एक नस्ल जयपुर संभाग में व्यापकता से पाई जाती है? इसका आंसर है सोनाड़ी। सोनाड़ी नस्ल है जयपुर संभाग में व्यापकता से पाई जाती है। पशुधन गणना 2007 के अनुसार राजस्थान में प्रति वर्ग किलोमीटर पशुधन संगणना घनत्व कितना है? इसका आंसर है 166 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में 2007 की पशुगणना के अनुसार 166 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पशु हैं। राजस्थान में पाई जाने वाली ऊँट की नस्लें हैं नाचना, काछी, केसवाल। मालपुरा, नाली, मगरा व मालवी में से कौन सी एक राजस्थान में भेड़ की नस्ल नहीं है? तो इसका आंसर है मालवी। राजस्थान में मालवी नस्ल भेड़ की नहीं है। इसके अलावा मालपुरा, नाली और मगरा नस्लें हैं। नागौर का सुवालक क्षेत्र देश भर में किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है बैलों के लिए। कौन से पशु के लिए राजस्थान राज्य भारत में एक अधिकार रखता है? तो इसका आंसर है ऊँट के में राजस्थान भारत में एकाधिकार रखता है। भारत में सबसे ज़्यादा ऊँट राजस्थान में ही पाए जाते हैं। राजस्थान में भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आंसर है वल्लभ नगर, उदयपुर में। राजस्थान में भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। राज्य में ऊँट का प्रजनन कार्य किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा राजस्थान में ऊँट प्रजनन का कार्य संचालित किया जा रहा है। राज्य में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? इसका आंसर है जोधपुर। राजस्थान में जोधपुर में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। नेक्स्ट, भैंस की नस्ल है। इसका आंसर है मुर्रा। भैंस की नस्ल है मुर्रा। इसके अलावा जाफराबादी, भदावरी आदि भी भैंस की नस्लें हैं। जिस जिले में न्यूनतम भेड़ें पाई जाती हैं वह है धौलपुर जिला। राजस्थान में भारत की पशु संपदा का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो वह है 11.20%। जखराना बकरियां किस जिले से संबंधित हैं? तो इसका आंसर है अलवर जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवड़ है पशुओं का झुंड। राजस्थान की दूध की पैदा करने वाली एजेंसी का नाम है सरस एजेंसी। राजस्थान में दूध पैदा करने वाली एजेंसी है। राज्य में भेड़ों की कितनी नस्लें पाई जाती हैं? तो राज्य में भेड़ों की 8 नस्लें पाई जाती हैं। चोकला, मगरा, पुगल किस प्रकार के पशु हैं? तो ये सारी नस्लें हैं, ये भेड़ की नस्लें हैं। दूध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्लें हैं। इसका आंसर है थारपारकर एवं राठी, दुग्ध उत्पादन के लिए गाय की प्रसिद्ध नस्लें हैं। राज्य में इनमें से कौन सी एक भेड़ की नस्ल पाई जाती है? चोकला भेड़ की नस्ल है, वो राजस्थान में पाई जाती है। कौन सी भेड़ की नस्ल है? तो मगरा, चोकला, सोनाड़ी, चनौथर, ये सारी है भेड़ की नस्लें हैं। बाड़मेर का मालाणी क्षेत्र किस गोवंश की उत्पत्ति क्षेत्र है? तो इसका आंसर है थारपारकर। थारपारकर गाय की एक नस्ल है जो प्रमुखता जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर क्षेत्रों में पाई जाती है। मालाणी क्षेत्र को इस नस्ल का मूल क्षेत्र माना जाता है। यह दूध देने वाली गाय की एक प्रमुख नस्ल है। कौन सा स्थान राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम के अधीन पशु आहार संयंत्र से संबंधित है? इसका आंसर है तबीजी, अजमेर। राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम एवं पशु आहार संयंत्र से संबंधित है। राज्य में केंद्रीय भेड़ प्रजनन एवं शोध केंद्र कहाँ है? तो इसका आंसर है अविका नगर टोंक में। राज्य में केंद्रीय भेड़ प्रजनन एवं शोध केंद्र स्थित है। मालाणी नस्ल किसकी है? इसका आंसर है घोड़े की। मालाणी नस्ल के घोड़े बाड़मेर जिले के सिवाना और गुड्डामलाणी क्षेत्र में पाए जाते हैं। मालावणी या काठवाड़ी नस्ल के घोड़ों की उन्नत नस्लें विकसित करने के लिए असल विकास कार्यक्रम बाड़मेर जिले के सिवाना में संचालित किया जा रहा है। राज्य में सर्वाधिक घोड़े बाड़मेर में और राज्य के न्यूनतम घोड़े बीकानेर में। तंग, मोरखा, शोरबंद व पिलाण आदि, सॉरी गोरबंद है, तंग, मोरखा, गोरबंद व पिलाण आदि हैं
ऊंट की सजावट की वस्तुएं। कांकरेज नस्ल किस पशु की है? तो इसका आंसर है गाय की। गाय की प्रमुख नस्लों में गिर, राठी, थारपारकर, नागौर, कांकरेज, मालवी, सांचौर, मोती व हरियाणवी हैं। राजस्थान में भारत में किसका सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो वो होता है ऊन का। केंद्रीय ऊन प्रजनन केंद्र स्थित है जोड़बीड़ बीकानेर में। राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र व राज्य की पहली केमल दूध डेयरी भी जोड़बीड़ में स्थापित की गई है। थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। राज्य के जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर जिलों में पाई जाती है और बाड़मेर का मालाणी क्षेत्र इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति एवं उपलब्धता के आधार पर राजस्थान में उन उद्योग के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं जिनका आधा है, यह है पशुधन। प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति और उपलब्धता के आधार पर राज्य में पशुधन की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। पिरुणा किस जीव की प्रजाति है? तो यह सांप की प्रजाति है। निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? तो इसका आंसर है लोही। भेड़ की नस्ल नहीं है, ये बकरी की नस्ल है। राजस्थान में पशुधन की अधिकता होने के बावजूद दुग्ध व्यवसाय अविकसित व्यवस्था में है। इसका कारण है यहाँ अच्छी किस्म के पशुओं की कमी है। सिंकला, झेरना, नेत्रा तथा गिड़गिड़ी संबंधित हैं। ये दही बिलोने से संबंधित उपकरण सारे। राजस्थान राज्य सरकारी डेयरी फेडरेशन का प्रमुख उद्देश्य है, तो इसका आंसर है दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य प्रदान करना एवं दूध उत्पादों के वितरण के सामंजस्य स्थापित करना। मरुस्थल का जहाज किसे कहा जाता है? तो ऊंट को मरुस्थल अर्थात रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। किस नस्ल की भेड़ शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है जो अच्छी किस्म की ऊन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है चोकला नस्ल की भेड़ है। ये शेखावाटी क्षेत्र की प्रमुख नस्ल है और इसकी जो ऊन होती है वो बहुत ही अच्छी किस्म की ऊन होती है। राजस्थान में भैंस की मुख्यतः पांच नस्लें पाई जाती हैं जो हैं, इसका आंसर है मुर्रा, जाफरावादी, भदावरी, मुरादावादी व नागपुरी। राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की पांच प्रमुख नस्लें हैं। इनमें सर्वाधिक दूध मुर्रा भैंस देती है और राज्य में सर्वाधिक भैंसें अलवर जिले में पाई जाती हैं। गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? तो वो है राठी। राठी गाय की सबसे अच्छी नस्ल है। श्वेत क्रांति के जनक हैं वर्गीज कुरियन। सबसे अधिक संख्या में भेड़ें और बकरियां किस राज्य में हैं? तो वो है राजस्थान में। राजस्थान में सबसे ज्यादा भेड़ और बकरियां पाई जाती हैं। तो ये थे हमारे राजस्थान में पशुधन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले आभूषण। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएं। इससे पहले हम आपको बताएं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बताते हैं कि राजस्थानी महिलाओं द्वारा कौन कौन से आभूषण और कहाँ कहाँ पर पहने जाते हैं। ये सबसे पहले हैं सिर के आभूषण, ये रखड़ी, ये माथे के ऊपर पहनी जाती है। बोरला और रखड़ी यहाँ पर माथे पर पहने जाते हैं। मेमंत सिर पर पहना जाता है। टिड्डी भड़को जो बोरले के नीचे जो ये डिजाइनदार पत्ती सी जैसे मांग टिक्के जैसा बोरले के साथ में सेट होता है, ये इसे टिड्डी भड़को कहते हैं और ये यहाँ पर पहना जाता है। इसे मेमंद और सिर पर ये पहनी जाती है, इसे सांकड़ी कहा जाता है। और सिर पर ही शीश फूल पहना जाता है, टिक्का और मांग यहीं पर पहने जाते हैं। कुमकुम, बिंदी, तिलक ये माथे पर पहनी जाती हैं। झेला ये यहाँ पर लगाया जाता है, यहाँ पर पहना जाता है जैसे साइड में, ललाट के साइड में पहना जाता है। और कानों में पहने जाते हैं ओगणिया, टोंटी, झुमका, बाली। और गले में तुलसी, मटरमाला, ठुसी यहाँ पर पहने जाती हैं। ठुसी, मटरमाला, तुलसी। और इसे नीचे हार, झालर, हालरा पहना जाता है। और दांतों में रखन, चोंप, मेख, धांस आदि पहने जाती हैं। नाक में चोंप, लूंग, नथनी, कांटा, फेणी, कोको, खीवन, नकफूल, वेण, नथ बिजली, ब्लाक आदि नाक में पहने जाने वाले आभूषण हैं। ये फुंदा यहाँ पर जो
हाथ फूल होता है इसके साथ लगे होते हैं, इन्हें फुंदा कहा जाता है। ये यहाँ पर इस तरह से लटकते रहते हैं गले में या गले के पास में। कंठी और गलपटिया ये गले के एकदम पास में पहने जाते हैं। और ये खुशाली हंसली है ये थोड़ी सी नीचे पहनी जाती है। यहाँ पर गले के जो एक हड्डी होती है हंसली, इसलिए यहाँ पर पहने जाने वाले आभूषण को हंसली कहा जाता है। और ये थोड़ा नीचे होता है जो लॉकेट टाइप में, उसे मादलिया, इससे नीचे जो होता है उसे मंगलसूत्र, और इसे नीचे पहना जाता है निमोरी, और इससे नीचे जो ये इस तरह के जो आभूषण बन जाते हैं इसे तिमणिया या हमेल कहा जाता है। और सबसे लंबा जो रानी हार भी बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, चंपाकली, पंचलड़ी, मंडली, जो ये है नाभि तक नीचे हो जाता है, इसे पहना जाता है। और यहाँ हाथ के आभूषण हैं ये जो बाजू में पहने जाते हैं, बाजूबंद, नवरत्न, भुजबंद, हारपान, ये सब सबसे पहले बाजू में सबसे ऊपर पहने जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर इसके आगे चुड़ली, टड्डा और अणंत पहने जाते हैं। इसके आगे अंगद पहना जाता है। हम आपको बता रहे हैं महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले आभूषण। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करें। ये आगे हाथ की जो कलाई में पहने जाने वाले आभूषण होते हैं, ये यहाँ पर पहना जाता है गोखरू या कंगन, इसके आगे चूड़ा, फिर आगे बंगड़ी, इसके आगे चूड़ियाँ, और यहाँ पर आगे पूंछिया, छैलकड़ो, पछेली। हाथ के जो ऊपर की साइड है हथफूल पहना जाता है, अंगुलियों में बिंठी, मुंदड़ी, अंगूठी, पवित्री, पट्टा बिंटी आदि पहनी जाती हैं। अंगूठे में अर्सी या अंगूठड़ो पहनी जाती है। कमर में पहने जाने वाले आभूषण होते हैं जैसे कणकती, कंडोर, जंजीर, करधनी, तगड़ी, मेरवड़ा, कणोदरा, कणगावली आदि कमर में पहने जाने वाले आभूषण हैं। अब आगे बता रहे हैं पैरों में पहने जाने वाले आभूषण। पैरों में पहने जाने वाले आभूषण यहाँ पर जो ये लहंगे में लगने वाले होते हैं जैसे फूलड़ी, और पैरों में पहने जाते सबसे ऊपर आंवला, उसके बाद में टनका, चोपले, नेवरी, टोडरो, उसके बाद में हिरनामैन, उसके बाद में तोड़ा, अनोटपोल, झंका रतन, छिंजनी, मकियो, तेधड़, मसूरियो, नूपुर आदि पहने जाते हैं। इससे नीचे कड़ा पहना जाता है और सबसे नीचे पाजेब या पायल पहनी जाती हैं। और यहाँ पर जो पहनी जाती है पैर के, इसमें झड़ या झांझर कहते हैं इसे। इसके आगे पंजा में पगपान, ये पंजे के ऊपर पहना जाता है पंजा या पगपान। और पैर की अंगुलियों में पहनी जाने वाली जो होती है फोलरी, पिछिया और गुठलो कहा जाता है इन्हें। और पायल के साथ में जो लगे होते हैं घुंघरू, और जैसे ना जैसे नृत्य करती है नृत्यांगना, तो अलग से भी जो वो पट्टा सा आता है घुंघरू का, वो घुंघरू यहाँ पर पहने जाते हैं। अंगूठे में पहने जाने वाली जो अंगूठी होती है उसे गोर कहा जाता है। इस तरह से महिलाओं के द्वारा सिर से पैर तक विभिन्न प्रकार के आभूषण पहने जाते हैं, और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। हमारे किसी भी कहीं पर भी हमने आपको ये आभूषण बताए, संशय हो तो कमेंट जरूर दें। निम्न में से जैसलमेर जिले का कौन सा गांव रेगिस्तानी प्रभाव के लिए जाना जाता है? इसका आंसर है नाचना। जैसलमेर का नाचना गांव रेगिस्तानी प्रभाव के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के लाभा पठार क्षेत्र में भैंसरोगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का पठारी भाग कहलाता है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऊपर माल का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सीमा पर स्थित भारत पाक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम? इस क्वेश्चन का आंसर है ऊपर माल का पठार। ऊपर माल का पठार है भैंसरोगढ़ से लेकर बिजोलिया तक के जो बीच का भाग है वो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सीमा पर स्थित भारत पाक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है? इस क्वेश्चन का आंसर है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो राजस्थान की 4 जिलों गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर से गुजरती है। और रेड क्लिफ रेखा का नाम अंग्रेज रेड क्लिफ के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम किस परिस्थिति से संबंधित है? इसका आंसर है पारिस्थितिकी परिवर्तन से।
पारिस्थितिकी परिवर्तन के कारण धरती का जो जल स्तर है वो ऊपर आ जाता है, और जिससे जो धरती है वो बंजर हो जाती है, कि एक तरह से वहाँ पर मतलब कोई भी फसल वगैरह नहीं लगती है, तो वो स्थिति होती है, वो सेम की स्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाठी श्रृंखला क्या है? इसका आंसर है भूगर्भीय जलपट्टी। लाठी शिविर क्षेत्र भूगर्भीय जलपट्टी के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टाड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा है? इस क्वेश्चन का आंसर है गुरु शिखर। अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है, और इसे कर्नल जेम्स टाड ने गुरु शिखर कहा है। इसकी ऊंचाई 1722 किलोमीटर है, समुद्र तल से है, और यह राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली श्रृंखला ने पश्चिमी और उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? इसका आंसर है 40% जनसंख्या। अरावली श्रृंखला की पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित जो 12 जिले हैं उनमें राज्य की 40% जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के जिस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है वह जिला है? इस क्वेश्चन का आंसर है श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर वह जिला है जिस पर सूर्य की किरणों का तिरछापन सबसे ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि आपको बता दें कि कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो राजस्थान के एकदम दक्षिण से होकर बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है, और गंगानगर जो है वो राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला है, और 23.5 डिग्री पर जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो वो सबसे ज़्यादा तिरछी है, वो गंगानगर जिले पर ही पड़ती हैं, क्योंकि ये राजस्थान की सबसे उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? इसका आंसर है जैसलमेर। राजस्थान का जैसलमेर जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की कौन सी स्थिति के कारण है? इसका आंसर है इसका मानसून के समांतर होना। राजस्थान में अरावली की स्थिति है वो मानसून के समांतर है। जब अरब सागर से मानसून आता है तो अरावली की समांतर स्थिति से समांतर होने के कारण वो सीधा आगे निकल जाता है, और वर्षा है वो हिमाचल में जाकर हिमालय से टकराव के कारण होती है, और राजस्थान में वर्षा की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांसवाड़ा और डूंगरपुर का प्राचीन नाम है? इसका आंसर है बांगड़। प्राचीन रूप में प्राचीन समय में बांसवाड़ा और डूंगरपुर को इकट्ठे रूप में बांगड़ के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान देश में कौन से भाग में स्थित है? इसका आंसर है उत्तर पश्चिमी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कुल स्थलीय सीमा है की लंबाई है? इसका आंसर है 6920 किलोमीटर। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 6920 किलोमीटर है, जिसमें से 1070 किलोमीटर है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है वह है? इसका आंसर है धौलपुर जिला। राजस्थान का वह जिला है जिसका भौगोलिक सामाजिक पर्यावरण है और राजनीतिक सीमा है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से दोनों से लगती है, इसीलिए वहाँ का जो पर्यावरण है वो उन दोनों से मिलता जुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सर्दियों में वर्षा मुख्यतः आती है? इसका आंसर है पश्चिमी हवाओं से मतलब पश्चिमी विक्षोभों से राजस्थान में सर्दियों में वर्षा होती है, जिसे मावठ के नाम से जाना जाता है, जो कि चने के फसल के लिए बहुत ही अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? इसका आंसर है पश्चिम से दक्षिण पूर्व में। राजस्थान में पश्चिम से दक्षिण पूर्व में वर्षा में वृद्धि होती है। राजस्थान में एकदम पश्चिम सुदूर पश्चिम में तो 25 डिग्री सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, लेकिन दक्षिणी भाग में 100 और इससे ऊपर वर्षा भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? इसका आंसर है श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। राजस्थान के ऐसे जिले हैं जो पाकिस्तान से सटते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं? इसका आंसर है पंजाब, हरियाणा,
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं गुजरात राजस्थान के पड़ोसी जिले हैं। राजस्थान की सबसे ज़्यादा सीमा मध्य प्रदेश से लगती है और सबसे कम सीमा है वो पंजाब राज्य से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जिले एवं संभाग का युग्म है। राजस्थान में 33 जिले और 7 संभाग हैं। राजस्थान का सबसे नया जिला प्रतापगढ़ है और सबसे नवीनतम संभाग जो 2005 में बना था वो भरतपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की आकृति है, इसका आंसर है विषम कोण चतुर्भुज। राजस्थान की आकृति विषम कोण चतुर्भुज के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, इसका आंसर है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्य सॉरी अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाएं बनाता है, सीमा रेखाएं बनाता है, तो वो जिला है श्री गंगानगर। और बाड़मेर भी वो ऐसा जिला है जिसकी सीमा अंतर्राज्यीय भी है और अंतर्राष्ट्रीय भी है। श्री गंगानगर जिले की सीमा है वो पाकिस्तान से और पंजाब से लगती है, जबकि बाड़मेर की सीमा है वो गुजरात से और पाकिस्तान से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई लगभग कितनी है, इसका आंसर है 1070 किलोमीटर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है, इसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखावाटी के किस भूभाग में चूनेदार अधस्तर अनावृत होने के कारण आसानी से बनाए गए कुएं स्थानीय भाषा में क्या कहलाते हैं, इसका आंसर है जोहड़। शेखावाटी क्षेत्र में चूनेदार अधस्तर होने के कारण वहां पर अनावृत होने के कारण आसानी से जो बनाए जाते हैं उन कुओं को जोहड़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत के अनुसार 23 जून तथा 23 जुलाई के मध्य के काल को किस माह के रूप में जाना जाता है, इसका आंसर है आषाढ़ के रूप में। 23 जून और 23 जुलाई से मध्य में सामान्यतः आषाढ़ का महीना ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, इसका आंसर है जोधपुर। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जबकि राजस्थान का सबसे बड़ा शहर, राजस्थान की राजधानी और गुलाबी नगरी जयपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन पठार का विस्तार है, इसका आंसर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में राजस्थान की विंध्यन का पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट है, इसका आंसर है गंगानगर। राजस्थान का ऐसा शहर है जो पाकिस्तान से सर्वाधिक निकट है, और बीकानेर ऐसा शहर है जो शहरी क्षेत्र है जो पाकिस्तान से सीमावर्ती जिलों में सबसे दूर का शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान में उत्पन्न वायु भंवर कहलाता है, इसका आंसर है भंबोलिया। रेगिस्तान में जो एकदम से जब वायु दाब कम होता है और फिर एकदम से तेज वायु के कारण एकदम भंवर से बनते हैं और मिट्टी के, उन्हें भंबोलिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्य सीमा है वह है, इसका आंसर है पंजाब राज्य। पंजाब राज्य के साथ राज्य की सबसे छोटी अंतर्राज्य सीमा है, जबकि मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राज्य सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वो है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर ताप का अंतर है वो सबसे ज़्यादा न्यूनतम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है, इसका आंसर है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में अरावली की चौड़ाई बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली श्रेणियों की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, इसका आंसर है शेर। अरावली श्रृंखला की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, दूसरे नंबर की शेर, तीसरे नंबर की जरगा, चौथे नंबर की अचलगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाड़ौती पठार की मिट्टी है, इसका आंसर है लाल मिट्टी। हाड़ौती पठार की मिट्टी, इसका आंसर हाड़ौती के पठार की मिट्टी काली मिट्टी है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बहुधा सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत कारण है, क्वेश्चन का आंसर अरावली का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की प्रसार होने के कारण राजस्थान में जो वर्षा है वो सॉरी मानसूनी पवने वो समांतर सीधे निकल जाती हैं और वहाँ पर वर्षा कम की कमी हो जाती है, जिससे यहाँ पर अधिकांश काल और सूखा पड़ता है, ये इसका आधारभूत कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक मात्रा में शुष्क कृषि अत्यंता वाले जिले हैं, इसका आंसर है जैसलमेर और बाड़मेर।
जिले। नेक्स्ट, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात और पाकिस्तान से मिलती है, तो वह जिला है बाड़मेर, जिसकी सीमा गुजरात और पाकिस्तान दोनों से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार के मरुस्थल में न्यून वर्षा का कारण जिन पवनों की अरावली के साथ समांतरता है वे है अरब सागरीय मानसून पवनी, जो अरावली की समांतर स्थिति होने के कारण सीधी आगे निकल जाती है, और हिमाचल प्रदेश में उनसे वर्षा होती है, जैसे राजस्थान है वो बिना वर्षा के रह जाता है और वहाँ पर वर्षा की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के जिस जिले में 21 जून को सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं वह है, इसका आंसर है बांसवाड़ा। राजस्थान का बांसवाड़ा जिला है वो 23.5 डिग्री अर्थात कर्क रेखा पर स्थित है, इसीलिए 21 जून को बांसवाड़ा जिले पर सबसे ज़्यादा सीधी किरणें सूर्य की पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोकरण किस जिले में स्थित है, इसका आंसर है जैसलमेर जिले में। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा राज्य है, इसका आंसर है राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। 2001 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन हो जाने के बाद राजस्थान को भारत का सबसे बड़ा राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ, और राजस्थान भारत के 10.44 क्षेत्र पर विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, इसका आंसर है चिंकारा, राजस्थान का राज्य पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, इसका आंसर है गोडावण, राजस्थान का राज्य पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में कौन सा पक्षी विलुप्ति की कगार पर है, इसका आंसर है गोडावण, राज्य में ऐसा पक्षी है जो राजस्थान का राज्य पक्षी है लेकिन विलुप्ति की कगार पर है। नेक्स्ट टॉपिक है जनसंख्या एवं साक्षरता। विश्व जनसंख्या 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या कितना है, इसका आंसर है -1.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार लिंग अनुपात है, इसका आंसर है 928। राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात है वो 928 है। वर्ष 2011 में भारत की जनसंख्या 1,21,05,69,573 थी, वहीं राजस्थान की जनसंख्या 6,85,48,436 थी। देश की कुल जनसंख्या में राज्य की जनसंख्या का 5.66% निवास करता है, और राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में 8वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार जिला 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है, इसका आंसर है प्रतापगढ़ जिला। ऐसा जिला है जो 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार एवं राजस्थान द्वारा 25 मई 2013 को प्रस्तुत जनगणना आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की सम्मिलित जनसंख्या है, इसका आंसर है 31.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार अवरोही क्रम में जिलेवार सही अनुक्रम बताइए, इसका आंसर है जयपुर, भरतपुर, दोसा और अलवर। यह राजस्थान का जनघनत्व का अवरोही क्रम में है। राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व जयपुर जिले का, दूसरे नंबर पर भरतपुर, तीसरे पर दोसा और चौथे पर अलवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले हैं, जयपुर में 595, भरतपुर में 503, दौसा में 476, अलवर में 438 और धौलपुर में 398 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले, जैसलमेर में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बीकानेर में 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बाड़मेर में 92 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, चूरू में 147 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और जोधपुर में 161 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या में 2001 की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, इसका आंसर है 21.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, इसका आंसर है कोटा जिला, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 2001 से 2011 के दौरान किस जिले की दशक की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही, इसका आंसर है श्री गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 में न्यूनतम रही। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर वाले 5 जिले प्रतिशत वृद्धि दर में कौन से हैं? इसका आंसर है बाड़मेर 32.5, जैसलमेर 31.8, जोधपुर 27.7 और बाड़मेर सॉरी बांसवाड़ा 26.5, जयपुर 26.2। 5 जिले हैं जो सर्वाधिक वृद्धि प्रतिशत वाले जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम वृद्धि दर वाले 5 जिले, गंगानगर 10%, झुंझुनू 11.7%, पाली 11.9%, बूंदी 15.4% और चित्तौड़गढ़ 16.1% न्यूनतम वृद्धि दर वाले 5 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर है? इसका आंसर है 66.1%। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला जिला है? इसका आंसर है जालौर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है? इसका आंसर है धौलपुर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? अलवर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर में से बताना है तो इसका आंसर है जोधपुर जिले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले की सबसे कम नगरीय जनसंख्या है? इसका आंसर है प्रतापगढ़ जिले की। नेक्स्ट, जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? इसका आंसर है छठा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जनजातियों में संख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है? इसका आंसर है भील। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जनजातियों में सबसे ज़्यादा है वो मीणा जनजाति है और दूसरे नंबर पर है भील जनजाति है। नेक्स्ट, साक्षरता दर अर्जित करना 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रहा? इसका आंसर है 83%। 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 83% साक्षरता दर अर्जित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी रही? इसका आंसर है 52.1%। राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता वृद्धि दर रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रम से सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों के नाम हैं? इसका आंसर है कोटा और बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत कौन से जिले की है? इसका आंसर है कोटा की 76.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 में राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता किस जिले में अंकित की गई? इसका आंसर है कोटा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में इनमें से कौन सा जिला 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रखता है? इसका आंसर है जयपुर जिला, राजस्थान में सबसे जनघनत्व वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या है? इसका आंसर है जैसलमेर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व किस जिले में है? इसका आंसर भी जैसलमेर है। जैसलमेर में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी जनसंख्या में राजस्थान में सर्वाधिक भाग है? इसका आंसर है मीणा। राजस्थान में सबसे ज़्यादा आदिवासी जनसंख्या में मीणा है और दूसरे नंबर पर भील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है? इसका आंसर है जालौर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? इसका आंसर है बांसवाड़ा। राजस्थान में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी जनसंख्या मिशन की स्थापना कब की गई? इसका आंसर है 5 जुलाई 2001 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? इसका आंसर है अजमेर जिला। राजस्थान का सबसे पहला आदिवासी साक्षर जिला कौन सा है? इसका आंसर है डूंगरपुर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला है? इसका आंसर है अजमेर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला? इसका आंसर है डूंगरपुर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है? इसका आंसर है जयपुर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला है? इसका आंसर है अजमेर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? इसका आंसर है 6,85,48,437। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है? इसका आंसर है जयपुर जिला।
तो ये थी हमारी राजस्थान की सामान्य ज्ञान प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने यहाँ पर कलेक्ट किए हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और हमारे किसी भी क्वेश्चन में आपको संशय हो तो कमेंट जरूर दें। हमारा आज का टॉपिक है कृषि एवं फसलें। राजस्थान में कृषि एवं फसलों से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर कलेक्ट किए हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। राजस्थान में माही, कंचन, माही धवल और मेघा किसकी किस्में हैं? तो इसका आंसर है मक्का की। माही, कंचन, माही धवल, मेघा आदि मक्का की किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है बालरा कृषि। आदिवासियों के द्वारा जो जंगलों को जलाकर ये साफ करके जो 2-3 साल कृषि की जाती है, फिर दूसरी जगह जंगलों को जलाकर साफ करके जाती है, उसे वालरा कृषि कहा जाता है, झूमिंग कहा जाता है, चिमारता कहा जाता है। अलग अलग स्थानों पर इसका अलग अलग नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर की अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं? तो वो है तबीजी अजमेर में और सेवर भरतपुर में। नेक्स्ट, सरसों के उत्पादन में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? सरसों के उत्पादन में राजस्थान भारत में प्रथम स्थान पर है। राज्य में सरसों तेल उद्योग का प्रमुख केंद्र भरतपुर है। भरतपुर का इंजन छाप सरसों का तेल प्रसिद्ध है। लाल मिर्च के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो लाल मिर्च के लिए मथानिया जोधपुर जिले में प्रसिद्ध क्षेत्र है। नेक्स्ट, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर और कोटा में से किस एक जिले में गेहूं का उत्पादन न्यूनतम होता है? जैसलमेर जिले में गेहूं का न्यूनतम उत्पादन होता है। नेक्स्ट, रबी की फसल बोई जाती है? रबी की फसल नवंबर माह में बोई जाती है। खस का उत्पादन मुख्य रूप से किस जिले में किया जाता है? खस का उत्पादन टोंक जिले में किया जाता है। राजस्थान में कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना को फंड देने के लिए वित्तीय संस्थान ने 109 मिलियन डॉलर के अनुदान की मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य पानी की कुशल कृषि को बढ़ावा देना है विश्व बैंक के द्वारा। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान कौन सी फसल बोई जाती है? भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान खरीफ की फसल बोई जाती है। राजस्थान में चैती गुलाब की खेती का प्रमुख क्षेत्र है। चैती गुलाब का प्रमुख क्षेत्र पुष्कर है, जो कि अजमेर में है। कृषि कार्य में गोफण का प्रयोग किया जाता है। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पशुओं को भगाने के लिए गोफण का उपयोग किया जाता है। भारत सरकार की कृषि मंत्रालय के अनुसार राजस्थान देश में रेपसीड व सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसमें राज्य का योगदान कितना प्रतिशत है? राजस्थान का योगदान 44.61% है। राजस्थान में जैविक कृषि आंदोलन ने राज्य में दलहन के उत्पादन में समय सिद्ध किया है कि जिसने वर्ष 2011 में खालिस्तान टन के उत्पादन को छुआ और वर्ष 2010 में उत्पादित 7.20 लाख टन की तुलना में 5 गुना बढ़ोतरी दर्ज की है, तो वो उत्पादन है 32.3 लाख टन। फसल और सर्वाधिक उत्पादक जिले को सम्मिलित करना है। ज्वार सबसे ज्यादा कोटा में, मक्का उदयपुर में, गेहूं गंगानगर में और बाजरा जैसलमेर में होता है। सभी सम्मिलित है। राजस्थान में खरीफ की फसल कौन सी है? बाजरा, ज्वार, मक्का आदि सभी फसलें खरीफ की फसलें हैं। रबी की फसल नहीं है। सरसों, चना, गेहूं व मूंगफली, इनमें मूंगफली है ये रबी की फसल नहीं है, जबकि सरसों, चना, गेहूं है ये रबी की फसलें हैं। राजस्थान में तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में होता है? राजस्थान के झुंझुनू जिले में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तंबाकू का पौधा 1508 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया। तंबाकू की किस्म होती है निकोटीना टुपेकम व निकोटीना रोस्टिका। राज्य में सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित होते हैं? राज्य में 12 जिले में सबसे ज्यादा मसाले उत्पादित होते हैं। राजस्थान में मिर्च उत्पादन में प्रथम स्थान जोधपुर का है और मथानिया जोधपुर मिर्च के लिए विश्व प्रसिद्ध है। राजस्थान में चावल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में किया जाता है? हनुमानगढ़ जिले में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन हनुमानगढ़ जिले में होता है। राज्य के किस जिले में एशिया की सबसे बड़े कृषि यांत्रिक फार्म की स्थापना की गई? तो वह है श्रीगंगानगर में। राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले में एशिया के सबसे बड़े कृषि यांत्रिक फार्म की स्थापना की गई। राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा गया है? कृषि को राजस्थान में मानसून का जुआ कहा गया है, क्योंकि राजस्थान में जो कृषि है वो पूर्णतः मानसून पर आधारित होती है। अगर अच्छा मानसून आता है, अच्छी वर्षा होती है,
तो कृषि भी अच्छी होती है, और अगर वर्षा का अभाव रहता है, क्योंकि राजस्थान है वो मरुस्थलीय क्षेत्र है और वहाँ पर वर्षा की अधिकांश कमी रहती है, तो अगर वर्षा अच्छी नहीं होती है तो फसल भी अच्छी नहीं, तो इसलिए कृषि को राजस्थान में मानसून का जुआ कहा गया है। राजस्थान में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है जयपुर में। लूणकरणसर सर्वाधिक मूंगफली बीकानेर के इस स्थान पर उत्पादित किया जाता है। राजस्थान का राजकोट कहलाता है। राजस्थान में मक्का के कुल उत्पादन का 55% से अधिक उत्पादन किन जिलों में होता है? तो मक्का का उत्पादन 55% से अधिक होता है वो उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में होता है। राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? सुबह श्रीगंगानगर में कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान में होता है। मक्का उत्पादन का प्रमुख जिला युगम है उदयपुर, राजसमंद। मक्का की हरी पत्तियों से बनाए गए चारे को साइलेज कहा जाता है। माही कंचन व माही धवल मक्का की किस्में हैं। राजस्थान में राज्य की चार फसलों के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत गिरते हुए क्रम में बनता है। गेहूं, कपास, चना और तिलहन। कौन सा जिला घोड़ा जीरा हेतु प्रसिद्ध है? जालौर जिला घोड़ा जीरा हेतु प्रसिद्ध है। घोड़ा जीरा इसबगोल को कहा जाता है। मोठ, गंवार, बाजरा, ज्वार राजस्थान की मुख्य फसलें हैं। ये खरीफ की फसलें हैं। राजस्थान में मोठ, गंवार, बाजरा, ज्वार आदि सारी टाऊ या बीजों का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में किस लिए किया जाता है? तो खेतों की सुरक्षा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे मानव आकृति का एक ऐसे लकड़ी से जैसे ऊपर कोई सिर वगैरह बनाकर, पुराने कपड़े बनाकर कुछ खड़ा करते हैं, जिससे कि पशु पक्षियों को ऐसा भ्रम हो कि यहाँ पर मानव खड़ा है और खेतों को नुकसान न पहुँचाए, इसलिए खेतों की सुरक्षा के लिए टाऊ या बीजों का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। सांगरी फल किस ऋतु में लगते हैं? गर्मी में सांगरी के फल लगते हैं। राजस्थान किन बीजों का बड़ा उत्पादक है? गंवार और गोंद के बीजों का राजस्थान सबसे बड़ा उत्पादक है। तिलहन के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तिलहन उत्पादन में राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है। राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। कोटा बारा राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। किस जिले में चावल का उत्पादन होता है? बूंदी जिले में चावल का उत्पादन होता है। चना उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? चना के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। राज्य में सर्वाधिक धनिया उत्पादन किस जिले में होता है? तो ये बारां जिले में। संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला अग्रणी है? राजस्थान का झालावाड़ जिला संतरा के उत्पादन में अग्रणी जिला है, इसीलिए झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर भी कहा जाता है। गन्ना उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला प्रमुख है? बूंदी जिला गन्ने के उत्पादन के लिए प्रमुख जिला है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसल है बाजरा। राजस्थान में अफीम उत्पादन में कौन से क्षेत्र हैं? तो वह चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और बारां में अफीम का उत्पादन किया जाता है। राष्ट्रीय बीज या मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो यह अजमेर में स्थित है। राष्ट्रीय बीज या मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में स्थित है। राजस्थान में इसबगोल की खेती के लिए जाना जाता है। जालौर राजस्थान में इसबगोल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक इसबगोल का उत्पादन राजस्थान में होता है तथा राज्य में सर्वाधिक उत्पादन जालौर जिले में होता है। राजस्थान में देश में सर्वाधिक बाजरा, मक्का, गेहूं, तिलहन में से उत्पादन करता है। राजस्थान में बाजरा का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। राजस्थान के बोए जाने वाले क्षेत्र और उत्पादन के क्षेत्र में बाजरे के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। बाजरा उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, जबकि गेहूं उत्पादन में दूसरा, मक्का उत्पादन में चौथा व तिलहन उत्पादन में तीसरा स्थान है। सर्वाधिक तेल मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, अरंडी किसके बीजों में पाया जाता है? तो अरंडी के बीजों में सबसे ज्यादा तेल पाया जाता है। मिश्रित कृषि में सम्मिलित है कई तरह की फसलें उगाना तथा तो पशुपालन भी करना। इसमें कृषि व पशुपालन साथ साथ किया जाता है। झूमिंग कृषि होती है आदिवासियों द्वारा जंगलों को जलाकर उन स्थानों पर कृषि किया जाना, झूमिंग कृषि कहलाता है। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है? गंगानगर जिले में सबसे ज्यादा गेहूं पैदा होता है, इसीलिए गंगानगर को राजस्थान का अन्न भंडार भी कहा जाता है। राजस्थान की मुख्य फसल है बाजरा। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से और बोए जाने के क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बाजरा है ये राजस्थान में प्रथम स्थान पर है। राजस्थान में व्यापक मात्रा में किन्नू कहाँ पैदा किया जाता है? गंगानगर जिले में सबसे ज्यादा किन्नू उत्पादन होता है। राजस्थान में खस का सर्वाधिक उत्पादन किस मेखला से होता है?
खस का उत्पादन सवाई माधोपुर भरतपुर टोंक मेखला से सबसे ज्यादा होता है। काजरी राजस्थान में कहाँ स्थित है? काजरी जोधपुर जिले में स्थित है। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान क्षेत्र केंद्र काजरी की स्थापना 1959 में ऑस्ट्रेलिया यूनेस्को के सहयोग से की गई। शुष्क क्षेत्र में संबंधित संपूर्ण अनुसंधान का दायित्व इस संस्थान का। वर्तमान में इसके 5 उपकेंद्र बीकानेर, जैसलमेर, पाली, भुज और लद्दाख में हैं। राजस्थान उत्पादन में देश में प्रथम है। राजस्थान सरसों के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। राजस्थान का देश में सरसों उत्पादन में देश में स्थान है वो प्रथम है। वहीं राज्य में प्रथम स्थान पर गंगानगर जिला है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में स्थित है। होहोबा क्या है? होहोबा एक पौधा है। बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जा रही है? तो वो है जट्रोफा रतनजोत की। राजस्थान में कौन सी कृषि जलवायु खंड में सोयाबीन की खेती महत्वपूर्ण स्थान रखती है? आर्द्र दक्षिणी और पूर्वी मैदान खंड में। राज्य में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन झालावाड़ जिले में होता है और सोयाबीन जो है वो आर्द्र जो स्थान होता है जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है और जो मैदान खंड है जो अच्छी भूमि होती है वहाँ पर उत्पादित की जाती है। किस खुशबूदार उपज के लिए उत्पादन के लिए नागौर प्रसिद्ध है? मेथी। पान मेथी के उत्पादन के लिए नागौर है ये प्रसिद्ध है। और नागौर का जो ताऊसर गांव है वो पान मेथी की सुगंधित मेथी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है सेवर भरतपुर में। इसराइल की सहायता से राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में जिस फसल को बोया जाता है वो है होहोबा। होहोबा एक इसराइली पौधा है और यह मरुस्थलीय क्षेत्र में बहुत ही तेजी से बढ़ता है। और इसराइल की सहायता से जो राजस्थान का मरुस्थलीय और एकदम शुष्क क्षेत्र है जहाँ पर मतलब वर्षा का बहुत ही अभाव होता है वहाँ पर इस फसल को बोया जाता है। राज्य के किस जिले को अन्न का कटोरा कहते हैं? तो इसका आंसर श्री गंगानगर जिले को। बीकानेर के लूणकरनसर कस्बे को मूंगफली उत्पादन के राजस्थान का राजकोट, झालावाड़ को संतरे की खेती के राजस्थान का नागपुर कहा जाता है और गंगानगर को गेहूं उत्पादन के लिए अन्न का कटोरा कहा जाता है। किस फसल की खेती हेतु 15 से 24 डिग्री तापमान तथा 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है? तो गन्ना के उत्पादन में के लिए 15 से 24 डिग्री तापमान और 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। राज्य में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन बूंदी जिले में होता है। किस राजमार्ग को NH11 के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है आगरा भरतपुर सीकर और बीकानेर राजमार्ग को NH11 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे द्वारा प्रस्तावित डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर राजस्थान के किन किन जिलों से निकलेगा? तो वो डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर निकलेगा सीकर, जयपुर, अजमेर और पाली से। नेक्स्ट, पैलेस ऑन व्हील्स रेलगाड़ी किस स्थान पर नहीं जाती? इसका आंसर है धौलपुर। पैलेस ऑन व्हील्स है ये, धौलपुर नहीं जाती। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 15 किस राज्य से होकर गुजरता है? तो यह आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश से में से किस में गुजरता है? तो ये गुजरता है राजस्थान से, राजस्थान पंजाब से गुजरता है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 15। राष्ट्रीय राजमार्ग 89 कौन से दो शहरों को आपस में जोड़ता है? तो इसका आंसर है अजमेर और बीकानेर को राष्ट्रीय राजमार्ग 89 जोड़ता है। कोटा, उदयपुर, बीकानेर और टोंक में से किस एक नगर से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 गुजरता है? तो इसका आंसर है उदयपुर से, राष्ट्रीय राजमार्ग 8 है ये, उदयपुर से गुजरता है। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 स्थित नगर है? तो इसका आंसर है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित नगर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है? तो इसका आंसर है NH15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड कोर है ये है रीड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। राजस्थान का कौन सा जिला रेलवे सेवा से अछूता है? तो वो राजस्थान का जिला है वो बांसवाड़ा, जहाँ पर रेलवे सेवा नहीं है। मुनाबाव किस जिले में है? तो मुनाबाव राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 राजस्थान के किस जिले से गुजरती है? तो यह राजस्थान के धौलपुर से गुजरती है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 आगरा, धौलपुर, मुंबई से होकर गुजरता है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान के बीकानेर तथा जैसलमेर शहरों से होता हुआ पंजाब तक जाता है? तो इसका आंसर राष्ट्रीय राजमार्ग 15। राजस्थान की पहली रेल बस सेवा कहाँ प्रारंभ की गई?
तो यह मेड़ता सिटी से प्रारंभ की गई देश की प्रथम रेल बस सेवा राजस्थान में मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड के मध्य अक्टूबर 1994 को प्रारंभ हुई। राजस्थान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब से प्रारंभ की गई? तो इसका आंसर है 25 दिसंबर 2000 को। मुनाबाव होकर पाकिस्तान जाने वाली रेलगाड़ी का नाम है? तो इसका आंसर है थार एक्सप्रेस। जयपुर टोंक बूंदी कोटा तथा झालावाड़ से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है? इसका आंसर है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12। राज्य में इस राजमार्ग की लंबाई 421 किलोमीटर है। राजस्थान का सबसे निकट स्थित बंदरगाह है कांडला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरु त्रिकोण में शामिल जिले हैं जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79, 89 व 8 जहाँ आकर मिलते हैं वह स्थान है अजमेर। थारलिंग एक्सप्रेस रेल जो जोधपुर और मुनाबाव स्टेशनों के बीच चलती है कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? तो 150 किलोमीटर। राजस्थान से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या है वह 26। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 कहाँ से गुजरता है? तो इसका आंसर है आगरा, भरतपुर, जयपुर और बीकानेर से। जो राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से नहीं गुजरता वह है 23। राजस्थान के किस जिले से थार एक्सप्रेस शुरू होती है? थार एक्सप्रेस राजस्थान के जोधपुर जिले से शुरू होती है। राजस्थान के किस शहर में सर्वप्रथम मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट आरंभ किया? तो यह राजस्थान के जयपुर से सबसे पहले मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू किया गया। राजस्थान में हवाई अड्डों की संख्या जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भरी जाती हैं वो है 1। राजस्थान में पाकिस्तान को जाने वाली ट्रेन का नाम है थार एक्सप्रेस। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल खोला गया उदयपुर से। राजस्थान से पाकिस्तान को जाने वाली ट्रेन का नाम है थार एक्सप्रेस। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है? तो वो है उदयपुर जिले में। राजस्थान पर्यटन एवं भारतीय रेल द्वारा पहले सन व्हील्स की तरह एक और ट्रेन हाल ही में प्रारंभ की गई, इसका नाम है रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। सांगानेर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा कब दिया गया? तो 2005 में सांगानेर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से निकलता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 8, 12 एवं 14 राजस्थान से निकलते हैं। पाकिस्तान से आने वाली थार एक्सप्रेस ट्रेन का राजस्थान में प्रथम स्टेशन कहाँ है? तो पाकिस्तान से आने वाली थार एक्सप्रेस का राजस्थान में प्रथम स्टेशन मुनाबाव बाड़मेर है। जयपुर मेट्रो की खास विशेषता क्या है जिसे भारत में पहली बार शुरू किया जा रहा है? तो इसका आंसर डबल एलिवेटेड स्ट्रक्चर जयपुर मेट्रो की विशेषता है जिसे भारत में पहली बार शुरू किया गया है। डूंगरपुर से शुरू होने वाली रेलवे लाइन राजस्थान के दक्षिणी भाग को किस बड़े रेलवे स्टेशन से जोड़ देगी? तो इसका आंसर रतलाम, मध्य प्रदेश से। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना हुई? इसका आंसर 1964 ईस्वी में। नेक्स्ट, जयपुर कोटपुतली से संबंधित राष्ट्रीय राजमार्ग है? राष्ट्रीय राजमार्ग 8। वह जिला जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है? झुंझुनू ऐसा जिला जिसमें कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। राजस्थान में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है 21। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये क्वेश्चन है, ये पुराना है, परीक्षा माया, इसलिए हमने यहाँ पर इसे कलेक्ट किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर स्थित शहरों का क्रम है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये है जयपुर जिले में। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नई रेलगाड़ी चलाने की योजना है? तो है द ग्रेट अरावली सफारी ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबोक हवाई अड्डा स्थित है? तो यह राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग 15 जो पंजाब को गुजरात के साथ जोड़ता है वह राजस्थान के कई जिलों से होकर गुजरता है, ऐसे जिलों की संख्या राज्य में है? तो इसका आंसर है 7 जिले। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 है, ये राजस्थान के 7 जिलों से गुजरता है और ये गुजरात और पंजाब को आपस में जोड़ता है। तो राजस्थान के 7 जिले हैं वह गंगानगर, हनुमानगढ़, जालौर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। अजमेर में 5 राष्ट्रीय राजमार्ग 8, 14, 79 ए 89 आकर मिलते हैं। साथ ही जयपुर में भी 5 राष्ट्रीय राजमार्ग 8, 11, 11 ए और 11 सी और 12 आकर मिलते हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1। राजस्थान में सीमा सुरक्षा बल का नया मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी कोटा, डी बीकानेर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी बीकानेर। राजस्थान में सीमा सुरक्षा बल का नया मुख्यालय बीकानेर जिले में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहिछत्रपुर का वर्तमान नाम क्या है? ए नागौर, बी जोधपुर, सी भरतपुर, डी सवाई माधोपुर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए नागौर। नागौर का पुराना नाम अहिछत्रपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लछाड़िया का पठार किस जिले में है? ए बीकानेर, बी बांसवाड़ा, सी उदयपुर, डी टोंक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी उदयपुर। लसाड़िया का पठार उदयपुर जिले में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ स्थित है? ए भरतपुर अलवर, बी कोटा बूंदी, सी नागौर अजमेर, डी बांसवाड़ा डूंगरपुर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी नागौर अजमेर। राजस्थान में नागौर अजमेर में जल में फ्लोराइड की अधिकता होने के कारण वहाँ पर लोगों के उब निकल जाती है, जिसलिए उस स्थान को कुबड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? सवाई माधोपुर, नागौर, धौलपुर, कोटा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी धौलपुर। राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार चंबल नदी के किनारे पर है और यह सर्वाधिक राजस्थान के धौलपुर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ, अंतिम चरण तिथि थी? ए 1 नवंबर 1956, बी 30 मार्च 1956, सी 31 अक्टूबर 1956 और डी 30 अप्रैल 1956। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमाएं हरियाणा से नहीं लगती हैं? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए श्री गंगानगर। राजस्थान का श्री गंगानगर जिला है जिसकी सीमा हरियाणा से नहीं लगती है। श्री गंगानगर जिले की सीमा पंजाब से लगती है और पाकिस्तान से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के वे दुर्ग जहां दो दो बार हुए, चित्तौड़गढ़ जालौर, जालौर शिवाना, शिवाना गागरौन और गागरौन जैसलमेर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है शिवाना और गागरौन ऐसे दुर्ग हैं जहां साके दो दो बार हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलकिला शंभू भान गजनी कहाँ है? ए विशेष प्रकार की तलवारें, बी विशेष प्रकार की पगड़ियां, सी विशेष प्रकार के भाले, डी विशालकाय तोपे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी विशालकाय तोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाड़ा चक्की का संबंध किस किले से है? ए चोरबुजा किला पंचेवर टोंक, बी असीरगढ़ टोंक, सी शेरगढ़ धौलपुर, डी डीग भरतपुर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए चोरबुजा किला पंचेवर टोंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल वर्ग मील में है? ए 1,32,250, बी 1,31,230, सी 1,32,139, डी 1,32,500। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सै 1,32,139 वर्ग मील क्षेत्रफल राजस्थान का। नेक्स्ट, राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया? ए विलियम फ्रैंकलिन, बी जॉर्ज थॉमस, सी जेम्स टोड, द लार्ज वेलेजली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बे जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर रेडक्लिफ रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित है? ए गंगानगर, बी जैसलमेर, सी बीकानेर, डी बाड़मेर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी बीकानेर रेडक्लिफ रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित है, जबकि सबसे पास में गंगानगर है। नेक्स्ट, इसकी व्याख्या देखिए इस प्रकार, रेडक्लिफ रेखा राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर एवं बाड़मेर जिलों की सीमा बनाती है। इस रेखा से इन शहरों में से बीकानेर सर्वाधिक दूर है और गंगानगर सबसे निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम आयुक्त कौन थे? ए एस के घोष, बी कृष्णमल लोढ़ा, सी अमर सिंह राठौड़, डी कृष्ण कुमार गोयल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी अमर सिंह राठौड़। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 23 अप्रैल 1994 से लागू के तहत इस आयोग का गठन किया गया। वे प्रथम निर्वाचन आयुक्त श्री अमर सिंह राठौड़ बने। राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष 65 वर्ष की आयु में तक जो भी पहले होता है, इसका मुख्यालय जयपुर में है। नेक्स्ट, राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी? ए कांता खतूरिया, बी पूजा मीणा, सी गायत्री देवी, डी शारदा भार्गव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए कांता खतूरिया। इस आयोग का गठन 15 मई 1999 को जयपुर में किया गया। इस आयोग की प्रथम अध्यक्ष श्रीमती कांताबाई खतूरिया थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर और धौलपुर पर किस वंश का शासक था? ए जाट, बी भाटी, सी राठौड़, डी यादव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए
जाट भरतपुर और धौलपुर पर जाट वंश का शासक था। भरतपुर को जाट महाराजा सूरजमल द्वारा सन 1733 में शहर बसाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है, ए उदयपुर, बी झालावाड़, सी कोटा, डी बूंदी। इसका सही आंसर है ए उदयपुर। राजस्थान में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल उदयपुर जिले में है। नेक्स्ट, राजस्थान में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं, ए 26, बी 33, सी 30, डी 25। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी द्वितीय स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राठ क्षेत्र किस जिले में है, ए बीकानेर, बी उदयपुर, सी अलवर, डी झालावाड़। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी अलवर। अलवर की बहरोड व मुंडावर तहसील और जयपुर की कोटपुतली तहसील के उत्तरी भाग को राठ क्षेत्र कहा जाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर स्थित है, ए अजमेर, बी बूंदी, सी जोधपुर, डी जयपुर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए अजमेर। राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर में स्थित है। देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ए महाराष्ट्र, ब राजस्थान, स उत्तर प्रदेश, द मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब राजस्थान। देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान हमारा देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने के बाद बना। यह देश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। राजस्थान का क्षेत्रफल 342,239 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, है कर्नल जेम्स टोड, वह महर्षि वाल्मीकि, सर जॉर्ज थॉमस, डेट डॉक्टर नारायण सेठी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के इतिहास पर 1829 में लंदन में प्रकाशित अपनी प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया। 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से इस संपूर्ण भौगोलिक प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकार किया गया। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग बसंतगढ़, जो कि सिरोही जिले में है, के शिला लेख में राजस्थानीय नृत्य के रूप में हुआ। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को आया। मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है, ए टोंक, ब गंगानगर, स तारागढ़, द दिवेर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है दिवेर युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। मेवाड़ का मैराथन दिवेर को कहा गया है। नवाबों का शहर टोंक को कहा गया है। राजस्थान का अन्नांगार गंगानगर को कहा गया है और राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ अजमेर को कहा गया है। जोधपुर, किशनगढ़, बीकानेर आदि क्षेत्रों में निम्न में से किस वंश का शासक रहा, ए प्रतिहार, ब चौहान, स राठौड़, द यादव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है स राठौड़ वंश का शासक जोधपुर, किशनगढ़, बीकानेर आदि राज्यों में रहा। चौहान किस रियासत के राजवंश थे, ए करौली, जैसलमेर, हनुमानगढ़, ब जोधपुर, किशनगढ़, बीकानेर, स जयपुर, अलवर, द अजमेर, जालौर, शिवाना, बूंदी, सिरोही। इस क्वेश्चन का सही आंसर है चौहान अजमेर, जालौर, शिवाना, बूंदी और सिरोही रियासत की राजवंश थे। नेक्स्ट, निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है, ए गाढ़ा, ब नारायणा, स दांतड़ा, द रेवाशाह। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए गाढ़ा। निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ गाढ़ा, जो टिडवाणा नागौर में स्थित है, जिसके प्रवर्तक संत हरिदास जी हैं। नेक्स्ट, गजगुण रूपक की रचयिता कौन है, ए शिवदास गार्डन, ब केशवदास गार्डन, सहदयाल दास, द श्रीधर व्यास। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब केशवदास गार्डन। गजगुण रूपक साहित्य के रचनाकार केशवदास गार्डन है। कुमार रासो के रचयिता कौन है, ए गिरधर आसिया, ब दलपत विजय, स जोधराज, द नयन चंद्र सूरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब दलपत विजय। कुमार रासो साहित्य के रचनाकार दलपत विजय हैं। नाम संजू परियार, जोधपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ, ए 6, ब 7, स 8, द 5। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी 7। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात।
इस क्वेश्चन का सही आंसर है शहर राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में थार का मरुस्थल कितने जिलों में फैला हुआ है? ए 15, बे 12, से 14 और दे 10। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बे 12 जिलों में राज्य में थार का मरुस्थल फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार के मरुस्थल का ढाल किस दिशा में है? ए उत्तर, बे पूर्व, से दक्षिण, दे पश्चिम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है दे पश्चिम दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहा जाता है? ए थार का मरुस्थल, बे सहारा मरुस्थल, से कालाहारी मरुस्थल, दे इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है थार का मरुस्थल। हेलो गाइस, वेलकम टू हिंदी 24। हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। हमारा टॉपिक है सहकारिता। क्वेश्चन शुरू करें इससे पहले, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करें। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। 97वां संविधान संशोधन संबंधित है, इसका आंसर है सहकारिता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस क्रेडिट सहकारी समिति ने अपने सदस्यों और निवेशकों के लिए ATM और ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाई? इसका आंसर है संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष को सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर है, सॉरी एक बार क्वेश्चन फिर से देखिएगा, किस वर्ष को सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया? तो इसका आंसर है वर्ष 2004 को सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट, ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा एक ही स्थान पर सभी प्रकार के ऋणों को उपलब्ध करवाने वाली योजना है? इसका आंसर है क्रेफी कार्ड योजना। ऐसी योजना है जो ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा एक ही स्थान पर सभी प्रकार के ऋण उपलब्ध करवाने वाली है। राजस्थान में पहली बार सहकारी विधेयक कब पारित किया गया? तो इसका आंसर है 1953 में राजस्थान में सबसे पहले सहकारी विधेयक पारित किया गया। नेक्स्ट, राजस्थान में प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना कहाँ की गई? तो राजस्थान में सबसे पहले सहकारी बैंक की स्थापना डिग भरतपुर में की गई। राजसंघ कहाँ स्थित है? इसका आंसर है उदयपुर में। राजसंघ है वो उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट, राजस्थान में सहकारिता आंदोलन 1904 में सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर है भरतपुर एवं डिग में राजस्थान में सबसे पहले सहकारिता आंदोलन 1904 में प्रारंभ हुआ। राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 में स्थापित की गई, तो वो स्थापित की गई अजमेर जिले के भिनाई में। राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति 1905 में स्थापित की गई। राजस्थान में सहकारिता की शुरुआत 1904 ईस्वी में अजमेर से हुई। राज्य की पहली सहकारी समिति की स्थापना 1905 में भिनाई अजमेर में हुई। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा कहाँ है? तो इसका आंसर है अजमेर ज़िले में। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा है वो अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्रियान्वित है? इसका आंसर है जनजातीय मरुस्थलीय एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्रियान्वित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारिता शिक्षा में प्रबंध के लिए संस्था स्थापित की गई है? इसका आंसर है जयपुर में। राज्य में रायसीएम की स्थापना 1 अप्रैल 1994 को सहकारिता के क्षेत्र में मानवीय संसाधनों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्रत्येक जिले सहकारी बैंक का नाम है? इसका आंसर है केंद्रीय सहकारी बैंक। राज्य स्तर पर राजस्थान राज्य सहकारी बैंक अर्थात अपेक्स बैंक लिमिटेड व जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक अर्थात CCB व ग्राम स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी बैंक समिति कार्यरत है। इस प्रकार सहकारी साख समितियों का 3 स्तरीय ढांचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी शीत भंडार वाले जिले हैं? इसका आंसर है जयपुर और अलवर। सहकारी साख समितियों का ढांचा है वो 3 स्तरीय ढांचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड जयपुर का गठन कब किया गया? इसका आंसर है 14 अक्टूबर 1953 को राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड जयपुर का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी ध्वज में रंगों की संख्या है? इसका आंसर है 7।
सहकारी बैंक सॉरी सहकारी ध्वज होता है उसमें सात रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान किस आंदोलन में अग्रणी है? तो इसका आंसर है सहकारिता में। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसलमेर में पाली ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम है? इसका आंसर है खड़ीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर चूरू अजमेर और किशनगढ़ में से कौन सा एक शहर बीसलपुर परियोजना से जल प्राप्ति नहीं करता है? इसका आंसर है चूरू। बीसलपुर परियोजना की जलापूर्ति बनास नदी से होती है। बीसलपुर परियोजना से टोंक सवाई माधोपुर व बूंदी में सिंचाई सुविधा तथा अजमेर ब्यावर किशनगढ़ नसीराबाद केकड़ी व सरवाड़ को पेयजल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा परियोजना से पानी मिलता है? इसका आंसर है जालौर व बाड़मेर को नर्मदा परियोजना से पानी मिलता है। नेक्स्ट, अजमेर टोंक भीलवाड़ा और कोटा में से किस एक जिले को बीसलपुर बांध पेयजल की आपूर्ति होती है? इसका आंसर है अजमेर जिले को। नेक्स्ट, गांधी सागर जवाहर सागर कोटा बैराज और राणा प्रताप सागर में कौन सा एक बांध राजस्थान में नहीं है? इसका आंसर है गांधी सागर बांध। गांधी सागर जवाहर सागर कोटा बैराज राणा प्रताप सागर ये सारे बांध चंबल नदी पर बने हुए हैं। इनमें से गांधी सागर बांध है ये राजस्थान में नहीं है और यह है चंबल नदी पर निर्मित सबसे बड़ा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम की समस्या का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका आंसर है सिंचित क्षेत्र। इंदिरा गांधी नहरी क्षेत्र है जो सिंचित क्षेत्र है वहां पर सेम की समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान से कौन सी नहर सबसे पुरानी सिंचाई प्रणालियों के लिए जानी जाती है जो वर्ष 1998 में पूरी हुई थी ताकि गंगानगर जिले के उत्तर पश्चिमी भाग की पूर्ति कर सके? इसका आंसर है गंग नहर। गंग नहर राजस्थान की सबसे पुरानी सिंचाई प्रणालियों के रूप में जानी जाती है और इसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया। यह राजस्थान की सबसे पहली नहर परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाई परियोजना किस जिले में प्रारंभ होती है? इसका आंसर है पाली जिले से जवाई परियोजना का प्रारंभ होता है। नेक्स्ट, खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है? इसका आंसर है जैसलमेर में। खड़ीन एक तरह का अस्थायी तालाब है जो दो तरफ मिट्टी की पाल उठाकर तीसरी तरफ पत्थर की मजबूत चादर लगाई जाती है। खड़ीन की पाल को धोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम सागर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है झालावाड़ जिले में। परवन परियोजना किस जिले में स्थित है? यह 12 जिले में स्थित है। 12 जिले में परवन नदी के पानी को लिफ्ट कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 9वीं योजना में पूर्ण की गई सिंचाई परियोजना है। पन्नालाल बारूपाल कैनाल के जल स्रोत हैं। इसका आंसर है हरि के बराज बांध। नेक्स्ट, नर्मदा परियोजना किनका साझा प्रयास है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात और महाराष्ट्र का साझा प्रयास नर्मदा परियोजना है। इंदिरा गांधी फीडर का उद्गम किस राज्य में है? इसका आंसर है पंजाब। नेक्स्ट, राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है? इसका आंसर है रावतभाटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात तथा महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है? इसका आंसर है सरदार सरोवर परियोजना। इस परियोजना से जालौर की सांचौर तहसील और बाड़मेर में सिंचाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुएं या नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला है? इसका आंसर है जयपुर जिला। नेक्स्ट, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उपनाम है? इसका आंसर है राजस्थान की मरुगंगा। इस परियोजना का मूल नाम राजस्थान नहर था, बाद में इस परियोजना का नाम परिवर्तित करके इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। इस परियोजना को राजस्थान की जीवन रेखा तथा मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है। वन सेना इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य के लिए गठित की गई सेना को कहा जाता है। राजस्थान के किस जिले में भाखड़ा नांगल बांध से सर्वाधिक सिंचाई होती है? इसका आंसर श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले। भाखड़ा नांगल बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चमत्कारी विराट वस्तु कहा है। भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा 15.22% है। नेक्स्ट, बीसलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है? इसका आंसर है बनास नदी से। इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार थे कंवर सेन। कंवर सेन ने 1948 में प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता में प्रथम बार इस महत्वाकांक्षी परियोजना का प्रारूप प्रस्तुत किया। 1953 में केंद्रीय सिंचाई एवं नौवहन आयोग द्वारा
इस नहर परियोजना की प्रथम परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई, जिसे विश्व बैंक की टीम द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। 31 मार्च 1958 को भारत के तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत द्वारा इस योजना की आधारशिला रखी गई। 19 दिसंबर 1958 को राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान नहर बोर्ड का गठन कर श्री कंवर सेन को इसका अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है डूंगरपुर में। इस परियोजना का निर्माण डूंगरपुर जिले तथा उदयपुर जिले के क्रमशः आसपुर तथा सलूमर तहसीलों से लाबार सोम नदी पर किया गया। यह परियोजना सोम नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, भारत के सुसिंचित क्षेत्र में राजस्थान का कितना हिस्सा है? इसका आंसर 7.7%। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम है सतलज व्यास नदी पर हरि के बांध से। राजस्थान में सिंचाई के साधनों में दूसरे स्थान पर कौन सा स्रोत है? इसका आंसर है नहरें। राज्य में सिंचाई के 4 मुख्य स्रोत नहरें, तालाब, कुएं एवं नलकूप हैं। वर्ष 2009-10 में राज्य सकल सिंचित क्षेत्र 73.09 लाख हेक्टेयर था। सकल सिंचित क्षेत्र में 69.88% कुओं एवं नलकूपों से और 28.86% नहरों से एवं 1.26% अन्य साधनों के द्वारा सिंचित था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित हैं सूरतगढ़ शाखा, चरणवाली योजना तथा पूगल शाखा। छापी सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? इसका आंसर झालावाड़ से। छापी सिंचाई परियोजना छापी नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? इसका आंसर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना से राजस्थान के चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर व बाड़मेर जिलों को सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट, माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का प्रतिशत है? इसका आंसर है 45%। इस परियोजना से राजस्थान के बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिलों में सिंचाई होगी। इस परियोजना की समस्त विद्युत राजस्थान को मिलती है। इस परियोजना में 3 बांध बनाए गए हैं, माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा, कागदी पिकअप बांध कागदी गांव बांसवाड़ा, कडाणा बांध पंचमहल गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नहर ने किस जिले में शुष्क भागों को फलों के उद्यान में खाद्यान्न भंडार में बदल दिया है? इसका आंसर है श्री गंगानगर जिले को। गंगा नहर के निर्माण से श्री गंगानगर जिले के शुष्क भाग में फलों के उद्यान व खाद्यान्न भंडार विकसित हुए हैं। नेक्स्ट, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट कैनाल के प्रमुख कौन से जिलों को जलापूर्ति की जाएगी? इसका आंसर है बीकानेर व नागौर जिलों को। नेक्स्ट, राजस्थान नहर का परिवर्तित नाम है इंदिरा गांधी नहर। इजराइल के अनुभव के आधार पर राजस्थान में लोकप्रिय सिंचाई प्रणाली प्रयोग में लाई जा रही है, वह है बूंद बूंद टपकना सिंचाई प्रणाली। कडाना बांध किस राज्य में एवं किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर है गुजरात राज्य में माही नदी पर स्थित है। माही नदी पर अन्य 2 बांध कागदी पिकअप बांध और माही बजाज सागर है, वो बांसवाड़ा जिले में स्थित है। राजस्थान में जल की प्रचुरता होने के बावजूद जल ऊर्जा विकास नहीं हो पाने का कारण है। जल संग्रहण हेतु जलाशयों का अभाव एवं जल संरक्षण के साधनों का महंगा होना राजस्थान में जल प्रचुरता होने के बावजूद जल ऊर्जा का विकास नहीं होने का प्रमुख कारण है। राजस्थान नहर, जिसे इंदिरा गांधी नहर कहा जाता है वर्तमान में पानी किस नदी से आता है? इसका आंसर सतलज एवं व्यास नदी से। इंदिरा गांधी नहर को पानी हरि के बराज से मिलता है, जो पंजाब राज्य में फिरोजपुर जिले में सतलज एवं व्यास नदियों के संगम पर हरि के निकट बनाया गया है। चंबल एवं संयुक्त परियोजना है, जिसमें भागीदार हैं मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। चंबल एक मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान में मध्य प्रदेश की 50-50% भागीदारी वाली परियोजना है। इस परियोजना में चंबल नदी पर गांधी सागर मंदसौर मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, जवाहर सागर कोटा राजस्थान में और कोटा बराज कोटा राजस्थान में बनाए गए हैं। राजस्थान की सबसे वृद्ध सिंचाई परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। राजस्थान का रोप वे किस जिले में है? तो वह है जालौर जिले में। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर है आबू पर्वत पर स्थित गुरु शिखर चोटी है, वो अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये थे हमारे सिंचाई परियोजना से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सिलिका सैंडस्ट अर्थात कांच बालुका को मुख्यतः प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका आंसर है कांच उद्योग में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लिली सीरमा सुकली राकड़ प्रकार है, तो इसका आंसर है मेवाड़ में मिट्टी के प्रकार, मेवाड़ में मिट्टी के विभिन्न प्रकार हैं, लिली सीरमा सुकली तराकड़ आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो इसका आंसर है भूरी बलुई दोमट, राजस्थान में सबसे ज़्यादा भूरी बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है, तो इसका आंसर है सोडियम क्लोराइड की अधिकता से, जल में सोडियम क्लोराइड की अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है। नेक्स्ट, कपास की फसल के लिए राज्य को कौन से मिट्टी क्षेत्र में माना जाता है, तो इसका आंसर है बनास मिट्टी क्षेत्र में, कपास की फसल राज्य के बनास मिट्टी क्षेत्र में उपयोगी मानी जाती है। नेक्स्ट, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र जिस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है वह है, तो इसका आंसर है जैसलमेर, राजस्थान में सबसे ज़्यादा बंजर और बेकार भूमि है वो जैसलमेर ज़िले में ही पाई जाती है। हाड़ौती पठार की मिट्टी है, इसका आंसर है मध्यम काली। किसका उपयोग मिट्टी की लवणता व क्षारीयता की समस्या को दीर्घकालीन हल है, तो इसका आंसर है जिप्सम, जिप्सम के उपयोग से मिट्टी की लवणता व क्षारीयता को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है, तो इसका आंसर है अरावली के दोनों तरफ के भाग में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है। वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियाँ अम्लीय तथा क्षारीय बन जाती हैं, तो इसका आंसर है नीचे से ऊपर की ओर केशिकाओं द्वारा रिसाव से पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियाँ अम्लीय तथा क्षारीय बन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी में खारेपन व क्षारीयता की समस्या के समाधान हेतु जिसका उपयोग किया जाता है वो है जिप्सम। नेक्स्ट, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है, तो इसका आंसर है पश्चिमी समूह में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खनिज संपदा से संबंधित, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है, इसका आंसर सीसा जस्ता की खान के लिए चौथ का बरवाड़ा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा खनिज उर्वरकों के उत्पादन में काम में लिया जाता है, तो इसका आंसर है जिप्सम। जिप्सम राज्य में मुख्य रूप से गोट मांगलोद नागौर व जामसर बीकानेर में पाया जाता है, जिप्सम को हरसौंठ भी कहा जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज जैसे जिप्सम रॉक फास्फेट और पाइराइट किस निर्माण में आवश्यक हैं, तो इसका आंसर है रासायनिक उर्वरक निर्माण में। नेक्स्ट, जावर रामपुरा आगुचा दरीबा और खेतड़ी में से कौन सा एक जिंक उत्पादक क्षेत्र नहीं है, इसका आंसर है खेतड़ी जिंक उत्पादक क्षेत्र नहीं है। इसके अलावा जावर रामपुरा आगुचा दरीबा आदि सभी क्षेत्र जिंक उत्पादक क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में उत्तम किस्म के लिग्नाइट कोयले का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, तो वो है पलाना। नेक्स्ट, बलेस्टोनाइट जास्पर संगमरमर और गार्नेट में से किस राज्य में राजस्थान को देश में एकाधिकार प्राप्त नहीं है, तो इसका आंसर है संगमरमर। इसके अलावा ब्लेस्टोनाइट जास्पर और गार्नेट में राजस्थान का देश में एकाधिकार क्षेत्र है। नेक्स्ट, झामर कोटरा राजस्थान के किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर है, ये मिसप्रिंट हो गया है या गलत उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, तो यहाँ पर झामर कोटड़ा है ये राजस्थान में रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है, न कि कोयला के लिए, तो यहाँ पर आप रॉक फास्फेट पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांडवा की पाल क्यों प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर है मांडो की पाल है ये फ्लोराइड उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, सार्वजनिक क्षेत्र में बनाने का कार्य कहाँ होता है, इसका आंसर है नमक सार्वजनिक क्षेत्र में बनाने का कार्य डीडवाना और सांबर में होता है। नेक्स्ट, जावर खनन क्षेत्र प्रसिद्ध है, इसका आंसर है सीसा व जस्ता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय किस शहर में है, इसका आंसर है उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का पूर्ववर्ती नाम क्या था, इसका आंसर है मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के 3 जिलों में बड़े पैमाने पर लिग्नाइट निक्षेप है, नागौर व बाड़मेर के अलावा तीसरा जिला कौन सा है? तो इसका आंसर है बीकानेर। राजस्थान में लिग्नाइट की निक्षेप नागौर, बाड़मेर व बीकानेर में बड़े पैमाने पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस भाग में गिरे लिग्नाइट खाने हैं? तो वह हैं पश्चिमी भाग में। राजस्थान को भारत का दूसरा सबसे बड़ा खनिज भंडार कहा जाता है, इस राज्य में सबसे प्रमुख खनन गतिविधि कौन सी है? यूरेनियम, संगमरमर, तांबा और लोहा अयस्क। तो इसका आंसर है कि इनमें से संगमरमर है ये प्रमुख गतिविधि, खनन गतिविधि है। राजस्थान में भिवाड़ी जिले में स्थित कहरानी किस लिए सुर्खियों में था? तो इसका आंसर सेंट गोबिन ग्लास फैक्ट्री, जो कि फ्रांस के द्वारा लगाई गई कि इकाई की स्थापना के कारण भिवाड़ी जिले का सेंट गोबिन स्थान है वो प्रसिद्ध था। सॉरी, भिवाड़ी जिले का कहरानी है वो सेंट गोबिन ग्लास फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान कौन सा जिला 95% से अधिक फेल्सपार का उत्पादन करता है? तो इसका आंसर है अजमेर। फेल्सपार खनिज की प्राप्ति अभ्रक खदानों के सह उत्पाद के रूप में होती है। यह अजमेर जिले के मकरेज से राजस्थान का 96% फेल्सपार प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से जिलों में बेंटोनाइट के महत्वपूर्ण भंडार मिले हैं? तो इसका आंसर है भीलवाड़ा जिले में बेंटोनाइट के महत्वपूर्ण भंडार मिले हैं। नेक्स्ट, भारत में सीमेंट के उत्पादन में राजस्थान का स्थान है दूसरा। राजस्थान में सफेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना खारिया खंगार जोधपुर है, जबकि सफेद सीमेंट गोटन नागौर का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा शहर सफेद सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है गोटन नागौर। राजस्थान में मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए। संगमरमर उत्पादन की दृष्टि से राजसमंद पहले स्थान पर है, जबकि हरे संगमरमर उत्पादन में उदयपुर प्रथम स्थान पर है। काला संगमरमर में भैंसलाना जयपुर से प्राप्त किया जाता है। राजस्थान में जावर क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो वो है जिंक, जिंक खनिज के लिए। राजस्थान में तांबे के उत्पादन में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? तो इसका आंसर है 33%। राजस्थान में प्रमुख अभ्रक उत्पादक जिले हैं अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर। राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। भारत का दूसरा सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में राजस्थान का घी या पत्थर के उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो वह है प्रथम स्थान। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? सीसा, जस्ता की खान के लिए चौथ का बरवाड़ा प्रसिद्ध है। राजस्थान में चूना व चूना पत्थर का आयात करने वाला राज्य है महाराष्ट्र एवं गुजरात। राजस्थान में शीशे की सबसे बड़ी खान है जावर। उदयपुर में सीसा जस्ता मिश्रित रूप से मिलता है, इस अयस्क को गिलेना कहते हैं। करौली जिला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? वह लाल पत्थर के लिए। सीकर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज है कैल्साइट। संगमरमर की सबसे बड़ी प्रसिद्ध मंडी कहाँ स्थित है? तो वह किशनगढ़ में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कहाँ और किसकी सहायता से की गई? खेतड़ी, झुंझुनू में अमेरिका की सहायता से की गई। निम्न में से कौन सी एक खान चांदी खनिज के लिए जानी जाती है? तो वह जावर की खान। ये सीसा जस्ता के साथ निकाली जाती है। चांदी के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। यहाँ से देश की 76% चांदी निकाली जाती है। उत्पादन क्षेत्र हैं उदयपुर, जावर, देबारी, मोचिया, मगरा और भीलवाड़ा में रामपुरा, आगुचा। भीलवाड़ा जिला में आगुचा गुलाबपुरा क्षेत्र में कौन सा खनिज प्राप्त होता है? तो होता है अभ्रक। इनमें से कौन सा राजस्थान का प्रमुख जिप्सम उत्पादक क्षेत्र है? तो है जोधपुर, गंगानगर, बाड़मेर क्षेत्र। राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन पाया जाता है? तो है नागौर जिले में। देश की एकमात्र टंगस्टन की खान डेगाना भाकरी नागौर में है। वालदा गांव सिरोही में राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम द्वारा खनन कार्य किया जा रहा है। राज्य में टंगस्टन वुल्फ्रेमाइट अयस्क से प्राप्त होता है। स्टील ग्रेड चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध जिला है जैसलमेर। राज्य में सर्वाधिक चूना पत्थर का उत्पादन चित्तौड़गढ़ में होता है। चूना पत्थर 3 वर्ग में प्राप्त किया जाता है, सीमेंट ग्रेड चित्तौड़, बूंदी व जालोर, केमिकल ग्रेड नागौर जोधपुर में सर्वाधिक और स्टील ग्रेड सोनू क्षेत्र जैसलमेर चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक उत्पादन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में खनिज तेल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाले तेल क्षेत्र का नाम है मंगला। जस्ता ऐसक की खानी किस जिले में स्थित है? तो वो है उदयपुर जिले में। राजस्थान में अभ्रक अर्थात माइका पाई जाती है वो भीलवाड़ा में। राज्य में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन भीलवाड़ा जिले में होता है। भीलवाड़ा में अभ्रक से ईंट का निर्माण का उद्योग भी स्थापित किया गया है। राजस्थान में पाया जाने वाला अधात्विक खनिज है अभ्रक। राजस्थान में तेल रिफाइनरी कौन से जिले में लगाई जा रही है? वो बाड़मेर जिले में। गोट मांगड़ो जो जिप्सम भंडार व खदानों के लिए प्रसिद्ध किस जिले में है? वह नागौर। इसे मतलब सॉरी एक बार दोबारा देखिए कि जिप्सम को हरसौंठ भी कहा जाता है। राजस्थान का जिप्सम उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। राज्य में सर्वाधिक उत्पादन भंडार नागौर जिले में है। नागौर में बदवासी गोट मांगड़ो और बीकानेर में बिसरासर जामसर और लूणकरणसर। मैगनीज बहुतायत पाया जाता है बांसवाड़ा और उदयपुर में। राज्य का मुख्य मैगनीज उत्पादक जिला बांसवाड़ा है। वर्तमान में राज्य में मैगनीज का उत्पादन नहीं होता है। बांसवाड़ा में लालवाना काला कुआ, उदयपुर में तवाड़ा तामसिरा नगड़िया आदि स्थान चर्चित हैं। मैगनीज को जैक मिनरल कहा जाता है। मैगनीज व्यावसायिक उद्योगों का प्रमुख आधार है। झुंझुनू जिला किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? वह तो तांबा के लिए। तांबा उत्पादन में राज्य का भारत में दूसरा स्थान है। उत्पादक क्षेत्र हैं खेतड़ी सिंघाड़ा झुंझुनू खोदरीबा क्षेत्र सावर हनौतिया अलवर अंजनी सलूम्बर उदयपुर बीदासर बीकानेर। राजस्थान के नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका आंसर है लोहा अयस्क। अन्य प्रमुख क्षेत्र है मौर्य बानोल क्षेत्र जयपुर नीम का थाना क्षेत्र सीकर नीमला रायसेल क्षेत्र दौसा डाबला सिंघाना क्षेत्र झुंझुनू नाथरा की पाल व थुरुंडेर उदयपुर। जावर की खान किस जिले में स्थित है? उदयपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा धातु खनिज में नहीं आता है? तो वो होता है एस्टेबेस्ट। राजस्थान में एमोल किस किस्म का एस्टेबर्स पाया जाता है? राजस्थान में एस्टेबर्स उदयपुर में सर्वाधिक डूंगरपुर में भी पाया जाता है। राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर स्थापित किया गया चित्तौड़गढ़ के कपासन में। राजस्थान में देश का करीब 90% एस्टेबर्स उत्पादित किया जाता है। यह किन जिलों में उत्पादित किया जाता है? तो राजस्थान में एस्बेस्टोस उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा में अजमेर में उत्पादित किया जाता है। निम्न खनिजों में किसके संबंध में राजस्थान का देश में एकाधिकार है? तो वह सीसा जस्ता। सीसा एवं जस्ता चांदी तांबड़ा संगमरमर रॉक फॉस्फेट पन्ना व कैडमियम वे खनिज हैं जिन पर राजस्थान का एकाधिकार है। कौन सा अर्ध दुर्लभ पत्र राजस्थान में प्रचुरतम मात्रा में पाया जाता है? वह मानिक तांबड़ा। तांबड़ा की दो किस्में प्रसिद्ध हैं अवरेसिक व जैम। तांबड़े को गार्नेट भी कहा जाता है। राजस्थान का घुमाने वाला क्षेत्र किस कारण चर्चित है? वह है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के लिए राजस्थान में घुमाने वाला क्षेत्र चर्चित है। नेक्स्ट, रामपुरा आगुचा किस जिले में स्थित है जहां से खनिज प्राप्त किया जाता है? तो वो है भीलवाड़ा जिले में। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इंडस्ट्रीज कहाँ स्थापित की गई है? तो गड़ेपान कोटा में। वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं? बाड़मेर जिले में। रॉक फॉस्फेट राजस्थान के किन जिलों में पाया जाता है? उदयपुर जैसलमेर और बांसवाड़ा में। राजस्थान में सर्वप्रथम 1964 में वनस्पति घी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? भीलवाड़ा में। गुड्डा बलानी तहसील किस जिले में स्थित है जहाँ केयर एनर्जी कंपनी के कच्चे तेल का विशाल भंडार ढूंढ निकाला है? तो वह है बाड़मेर जिले में। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम पूर्व 1934 में ताम्र सामग्री प्राप्ति का स्थान है वह पर्वतसल तहसील का गांव कुराड़ा। विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट पाया जाता है पलाना में। बाड़मेर में तेल की खुदाई करने वाली कंपनी है ONGC। बाड़मेर में तेल की खुदाई करने वाली कंपनी है केयर्न एनर्जी। तेल के कुएं खोदने के लिए वेरेट्स नामक खनिज काम में लिया जाता है। वह खनिज जो मिट्टी की क्षारीयता का उपचार करने तथा स्वास्थ्य एवं निर्माण उद्योग के में काम आता है अधिकांशतः पाया जाता है तो वह नागौर जिले में। नागौर जिले में पाए जाने वाला जिप्सम लवणीय भूमि के उपचार में काम में लिया जाता है। राजस्थान में मुख्य टंगस्टन उत्पादक क्षेत्र है डेगाना। मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन जिस जिले में होता है वह है उदयपुर। राज्य में किस स्थान पर 30,000 टन की क्षमता का तांबा गलाने का संयंत्र लगाया गया है वह खेतड़ी में। सीसा एवं जस्ता गलाई संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है
तो देबारी उदयपुर में, भाग्य में उमंगला किस जिले में स्थित है, तो बाड़मेर में। निम्न में से कौन सा शहर सफेद सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो वह है चित्तौड़गढ़ जिला। निम्न में से कौन सा अर्ध दुर्लभ पत्थर राजस्थान में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो वह सुलेमानी पत्थर। राजस्थान के एक शहर में पीले पत्थर की खान है, इस पत्थर को इसी शहर के नाम से जाना जाता है, यह है जैसलमेर। निम्नलिखित में से किसका निर्यात राजस्थान में नहीं किया जाता, तो वह खाद्यान्न। संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहाँ बनती हैं, जयपुर में। वह कौन सा खनिज जो राजस्थान में सर्वाधिक कुल विक्रय अर्जित करता है, संगमरमर। राजस्थान में टंगस्टन धातु की खानें निम्न जिलों में है, तो वह नागौर व सिरोही जिलों में। खनिज तेल के भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का महत्वपूर्ण जिला है बाड़मेर। मंगला है एक तेल का कुआं। किस जिले का लाल पत्थर प्रसिद्ध है, तो वह करौली जिले का। जिनके उत्पादन में भारत में राजस्थान का स्थान प्रथम है, वे हैं रॉक फॉस्फेट, टंगस्टन और जिप्सम। राजस्थान में सोने की खोज का कार्य किस जिले में प्रगति पर है, वह है बांसवाड़ा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया व खान निदेशालय की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बांसवाड़ा जिले के घोटाल क्षेत्र में सोने के विशाल भंडार हैं। यहाँ 2.25 ppm मात्रा में लगभग 200 टन सोना उपलब्ध है। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार स्थित है खेतड़ी क्षेत्र में। खेतड़ी में भारत सरकार का उपक्रम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड अवस्थित है। तो ये थे हमारे मिट्टी और खनिज से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। राजस्थान का वह जिला जहां उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं है, इसका आंसर है सिरोही। राजस्थान का वह जिला जहां पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, वो स्थान सिरोही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। थार का कल्प वृक्ष कहा जाने वाला वृक्ष है, इसका आंसर है खेजड़ी। खेजड़ी को थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है। इसे समी, जांटी, छोकड़ा भी कहा जाता है। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसोसिप सिनेरिया है। खेजड़ी को 1983 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। राज्य में दशहरे के अवसर पर खेजड़ी का पूजन किया जाता है। खेजड़ी का पूजन शीतला माता के प्रतीक के रूप में भी किया जाता है। प्रसिद्ध लोक देवता गोगा जी का स्थान भी खेजड़ी के वृक्ष के नीचे स्थित होता है। और खेजड़ी है वो मतलब मरुस्थलीय पौधा है, मरुस्थलीय वृक्ष है, जिसकी पत्तियां छोटी होती हैं और जड़ें गहरी होती हैं, इसलिए मरुस्थल में भी बहुत ही कारगर साबित होता है। इसीलिए इसे राज्य वृक्ष भी घोषित किया हुआ है 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम प्रोसेसिप सिनेरिया है, तो इसका आंसर खेजड़ी। जांटी, समी, जो भी है वह है हमारा राज्य वृक्ष है। खेजड़ी को थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है। इसे सीनीय भाषा में जांटी भी, सॉरी, इसे स्थानीय भाषा में जांटी वृक्ष भी कहा जाता है। खेजड़ी की पत्तियों को लूम व फलियों को सांगरी कहा जाता है और सांगरी से बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाई जाती है। राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। राज्य पुष्प जिसे राजस्थान का सागवान कहा जाता है, रोहिड़ा। रोहिड़ा का फूल 1983 ईस्वी में राजकीय पुष्प घोषित किया गया। इसका वैज्ञानिक नाम टिकुमिला अंडुलेटा है। रोहिड़ा के फूल को जोधपुर में मारवाड़ टेक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है। किस जिले का संबंध सेवन घास से है, तो इसका आंसर है जैसलमेर जिले का संबंध है सेवन घास से। जैसलमेर जिले में सेवन घास बहुत ही उपजाऊ घास के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट, राजस्थान में सागवान वनों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर है बांसवाड़ा। राजस्थान में सागवान के वन डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाए जाते हैं, क्योंकि सागवान का वृक्ष है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु का वृक्ष है और डूंगरपुर बांसवाड़ा है जो 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित जिले हैं, इसलिए यहाँ की जो जलवायु है उसके अनुरूप कुछ अनुरूप होती है, इसलिए यहाँ पर सागवान के वृक्ष है वो पाए जाते हैं। राजस्थान में उगने वाले अर्जुन वृक्ष का मुख्य महत्व क्या है, तो इसका आंसर है यह परोक्ष रूप से टसर रेशम के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के 2001 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में वन क्षेत्र का प्रतिशत क्या है, तो इसका आंसर 9.5%। 2001 के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का वन क्षेत्र प्रतिशत 9.5% है, जो कि बहुत ही कम है, क्योंकि राज्य में कम से कम 33% वन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 9.5% ही वन क्षेत्र है।
और राजस्थान में सबसे ज़्यादा वन है वो उदयपुर जिले में है और सबसे कम चूरू जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह कौन सा हिस्सा बड़े पैमाने पर वन क्षेत्र से रहित है? तो इसका आंसर है पश्चिमी हिस्सा राजस्थान का, विरल थार का मरुस्थल है और यहाँ पर है जो वनस्पति है वो बहुत ही कम पाई जाती है और बड़े पैमाने पर यहाँ पर वन क्षेत्र से रहित क्षेत्र है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है चूरू। स्मृति वन कहाँ विकसित किया गया है? इसका आंसर है झालाना जयपुर में। नेक्स्ट, राजस्थान में घास के मैदान या चारागाहों को कहा जाता है? तो इसका आंसर है बीड। राजस्थान में घास के मैदान या चारागाहों को बीड कहा जाता है। राज्य में सबसे अधिक आरक्षित वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? तो वो है उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले। किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? तो इसका आंसर है तेंदू पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। तेंदू के पत्ते मुख्यतः किस जिले में प्राप्त किए जाते हैं? वह है, तो इसका आंसर है बांसवाड़ा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल की आग से आशय है? इसका आंसर है पलाश के फूलों से। पलाश के फूल होते हैं वो लाल रंग के होते हैं और जो पलाश पर लगे बहुत सारे एक फूल लगे होते हैं तो ऐसे लगता है जैसे आग जली हुई हो, इसीलिए पलाश के फूलों को जंगल की आग के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक जैव विविधता वाला देववन किस जिले में है? इसका आंसर है कोटा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वन मंडलों की संख्या है 13। राजस्थान में वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? तो वो है 25। राज्य में नई वन नीति की घोषणा कब हुई? 18 फरवरी 2010 को। राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। ये वन चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, कोटा व बारां जिलों में पाए जाते हैं। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। कौन से वृक्ष को जंगल की आग के द्वारा संबोधित किया जाता है? इसका आंसर है ढाक। यह वृक्ष 80 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका प्रयोग प्राकृतिक रंगों के निर्माण में भी किया जाता है। राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भौगोलिक भाग वनाच्छादित है? तो इसका आंसर है 7 से 9%। धोंकड़ा है, एक वृक्ष है धोंकड़ा। घामंड गरड़ व्यंजन है, तो इसका आंसर है राजस्थान में घास की किस्में। रखत, कांकर, डांग और रूद ये सभी वनों के संरक्षण से संबंधित है। अमृता देवी मृग वन स्थित है, तो ये खेजड़ली जोधपुर में स्थित है। महुआ के पेड़ किन जिलों में होते हैं? इसका आंसर है उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में। महुआ का उपयोग देसी शराब के निर्माण में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के कुल प्रतिवेदन क्षेत्रफल में वन भूमि है? इसका आंसर है 7.8%। राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? इसका आंसर है 3। राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान 1980 में घोषित किया गया, जबकि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर 1981 में घोषित किया गया स्थित है। नेक्स्ट, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना राज्य में कहाँ की गई? इसका आंसर है जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता देवी पुरस्कार किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण से। यह राज्य स्तरीय पुरस्कार 1994 से वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए दिया जाता है। ये 3 रूपों में प्रदान किया जाता है। वन विकास संरक्षण एवं वन्य जीव सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायत, ग्राम स्तरीय संस्थाओं, वन सुरक्षा प्रबंध समितियों को 50,000 रुपये व प्रमाण पत्र। वन विकास संरक्षण एवं वन सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाला व्यक्ति 25,000 रुपये व प्रमाण पत्र। और 3 नंबर है, वन्य जीव विकास संरक्षण एवं वन्य जीव सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाला व्यक्ति 25,000 रुपये व प्रमाण पत्र। सेवन है, इसका आंसर है 1 घास का नाम। सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है? तो इसका आंसर है जैसलमेर। इसको वैज्ञानिक नाम लश्यूर सिडकुस है। सूखी सेवन घास को लीलोन कहा जाता है और यह पशुओं के लिए बहुत ही पौष्टिक घास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले हैं? इसका आंसर है बांसवाड़ा एवं उदयपुर जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में सागवान के वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में। रूख भायला का अर्थ है वृक्ष मित्र से। इस कार्यक्रम का प्रारंभ 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा डूंगरपुर जिले के बगतरी गाँव में किया गया था।
राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी थान का वृक्ष कहलाता है। ये राज्य के वन क्षेत्र के कितने भाग में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है 2/3 भाग में। रेगिस्तान का सागवान कौन सा वृक्ष कहलाता है? इसका आंसर है रोहिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन या विशिष्ट प्रजातियों के वृक्षों की पहचान सुरक्षित करने के लिए उद्देश्य से किस पुरस्कार की स्थापना की गई? इसका आंसर है महावृक्ष पुरस्कार। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला उदयपुर है। उदयपुर में 4141.69 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है, जो राज्य के कुल वन क्षेत्र का 12.66% है। राजस्थान के पश्चिम भाग में वन किस रूप में है? तो इसका आंसर है वन कांटेदार पेड़ व झाड़ियों अर्थात मरुद्भिद के रूप में, क्योंकि पश्चिमी भाग में वर्षा बहुत कम होती है और वहाँ पर वन है वो कांटेदार झाड़ियों और कांटेदार वृक्षों के रूप में ही पाए जाते हैं, जिनकी पत्तियाँ छोटी होती हैं और जड़ें लंबी होती हैं, जो गहराई से पानी को अवशोषित कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? तो इसका आंसर है दशहरे के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। राज्य पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? तो इसका आंसर है पश्चिमी राजस्थान में। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र है वह उदयपुर एवं राजसमंद जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जिसके लिए दिया जाता है वह है वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। अमृता देवी ने वनों के लिए अपना बलिदान दे दिया, इसलिए उन्हें इतिहास में आज भी इस पुरस्कार के रूप में याद किया जाता है। राजस्थान में बार बार होने वाले सूखे एवं अकाल का प्रमुख कारण है अनियमित वर्षा। राजस्थान में वनों की कमी का प्रमुख कारण है जलवायु परिवर्तन। राजस्थान में कौन सी मुख्य वन उपज नहीं मानी जाती है? तो वो है बांस। भारत में सागवान के उत्पादन में निरंतर कमी हो रही है, राजस्थान के वे कौन से जिले हैं जो सागवान की वृद्धि में सहायक सिद्ध हो सकते हैं? इसका आंसर है बांसवाड़ा एवं उदयपुर जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी मुख्य वन उपज नहीं मानी जाती है? तो वो है बांस, क्योंकि बांस है ये तटीय क्षेत्रों पर पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वृक्ष होते हैं। तो ये थे हमारे वन संपदा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन, कुरंजा पक्षी विहार स्थित है? इसका आंसर है खींचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीतल की मातृभूमि किस वन्य जीव अभ्यारण्य को माना जाता है? इसका आंसर है सीता माता अभ्यारण्य को चीतल की मातृभूमि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो यह भरतपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट, उड़न गिलहरी के लिए राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? सीता माता अभ्यारण्य। यह अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ व प्रतापगढ़ जिलों में विस्तृत है। यह जाखम नदी पर जाखम बांध बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दरा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है कोटा जिले में। दरा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। नेक्स्ट, राजस्थान का वह अभ्यारण्य जो विश्व का द्वितीय पक्षी अभ्यारण्य एवं जल पक्षियों का स्वर्ग है? इसका आंसर है केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर। यह राजस्थान का वह अभ्यारण्य है जो विश्व का अद्वितीय पक्षी अभ्यारण्य है और पक्षियों का स्वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुंजा है एक पक्षी। तालछापर अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यह चूरू जिले में। तालछापर अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। यह प्रवासी पक्षी कुरंजा की शरणस्थली है। काले हिरणों व कुरंजा का एक साथ पाया जाना इस अभ्यारण्य की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र है? इसका आंसर है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है बीकानेर जिले में। नेक्स्ट, अक्कल काष्ठ जीवाश्म पार्क है? इसका आंसर है राष्ट्रीय मरु उद्यान का। अक्कल काष्ठ जीवाश्म पार्क राष्ट्रीय मरु उद्यान का भाग है। नेक्स्ट, अक्कल जो कि जैसलमेर में है संबंधित है। इसका आंसर है काष्ठ जीवाश्म उद्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य स्थित है? इसका आंसर है कोटा में। नेक्स्ट, रामसागर वन विहार अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? यह राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट, भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है?
यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 5 फरवरी 1983 ईस्वी को की गई। घड़ियाल इस अभयारण्य की अनुपम धरोहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में कौन सा पक्षी विलुप्ति की कगार पर है? इसका आंसर है गोडावण। गोडावण राजस्थान का राज्य पक्षी है और यह विलुप्ति की कगार पर है। नेक्स्ट, कौन सा अभयारण्य विश्व धरोहर अर्थात वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया है? इसका आंसर है रणथंभौर अभयारण्य को विश्व धरोहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे कबूतर राजस्थान के किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? इसका आंसर है सरिस्का, जो कि अलवर जिले में स्थित है। इस अभयारण्य हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखेटिया उद्यान पाली, सोहिनी उद्यान भनमाल, नेमड़ी पार्क जयपुर तथा गंगा निवास पब्लिक पार्क बीकानेर में कौन सा एक सही नहीं है? इसका आंसर है नेमड़ी पार्क जयपुर सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावित राजीव गांधी जीव मंडल रिजर्व का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है वन्य जीव अभयारण्य को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से जोड़ना प्रस्तावित राजीव गांधी जीव मंडल रिजर्व का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसमंद वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका आंसर है उदयपुर के पास। जैसमंद वन्यजीव अभयारण्य जलचरों की बस्ती के उपनाम से प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में की गई। कॉरिडोर के माध्यम से राज्य के प्रमुख अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यानों से जोड़ने की महत्वाकांक्षी परियोजना का नाम क्या है? इसका आंसर है राजीव गांधी बायोस्फीयर रिजर्व। यह योजना राज्य के प्रमुख अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यानों से जोड़ने की महत्वाकांक्षी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर रिजर्व किस वन्यजीव अभयारण्य में सुंदरी नामक शेरनी अपने 3 बच्चों के साथ देखी गई थी? इसका आंसर है रणथंभौर अभयारण्य में सुंदरी नामक शेरनी अपने 3 बच्चों के साथ देखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर और खालिस्तान राजस्थान में 2 बाघ अभयारण्य है? इसका आंसर है सरिस्का अभयारण्य। रणथंभौर और सरिस्का राजस्थान में 2 बाघ अभयारण्य हैं। नेक्स्ट, चंबल नदी के किनारे स्थित चंबल गार्डन कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर जिले से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान अपने समृद्ध पक्षी अभयारण्य के लिए और अपने प्रवासी खालिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय महत्व रखता है? इसका आंसर है साइबेरियाई सारस। भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान अपने समृद्ध पक्षी अभयारण्य के लिए और अपने प्रवासी साइबेरियाई सारस के लिए अंतर्राष्ट्रीय महत्व रखता है। नेक्स्ट, राजस्थान का प्रसिद्ध गार्डन कॉम्प्लेक्स बड़ा बाग कहाँ पर है? इसका आंसर है जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालछापर अभयारण्य खालिस्तान की बड़ी आबादी का घर है? इसका आंसर है कृष्णमर्ग की। तालछापर अभयारण्य राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है और यहाँ पर बड़ी संख्या में कृष्णमर्ग पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसर प्रथा के अनुसार केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अलावा राजस्थान का कौन सा अन्य क्षेत्र रामसर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर है सांभर झील क्षेत्र। राजस्थान में 2 रामसर क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं, एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा सांभर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान क्षेत्र में पाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण लुप्त प्राय पक्षी प्रजाति है? इसका आंसर है गोडावण। गोडावण राजस्थान का राज्य पक्षी है और वर्तमान में यह विलुप्ति की कगार है, ये चिंता का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर जिले का वह स्थान जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया है? इसका आंसर है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर जिले का वह स्थान है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस अभयारण्य को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो इसका आंसर है केवलादेव, जो कि राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है, इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। केवलादेव एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली है। इसे 1981 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 1985 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर के रूप में शामिल कर लिया गया। बटबड़ पक्षी को इंपीरियल सैंड ग्राउंड के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के किस संरक्षित स्थान के में म्यूरों का घनत्व सबसे अधिक है? इसका आंसर है सरिस्का। राजस्थान में सरिस्का अभयारण्य में म्यूरों का घनत्व सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर जिले का स्थान जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया है? इसका आंसर है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको सांभर चिंकारा टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया है तो इसका आंसर है सरिस्का। नेक्स्ट, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा भारत यात्रा के दौरान किस राष्ट्रीय पार्क की यात्रा की गई?
तो इसका आंसर है रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क ही। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारत यात्रा के दौरान रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क की यात्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में काले हिरण्य कुरुंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, तो इसका आंसर है ताल छापर अभ्यारण्य चूरू। राजस्थान का यह अभ्यारण्य काले हिरण व कुरुंजा पक्षी के एक साथ संस्थिति के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है, इसका आंसर है बूंदी जिले में। मुकुंदरा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है कोटा झालावाड़ जिले में। 9 जनवरी 2012 को राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना के तहत किसी राज्य का तीसरा राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया, तो इसका आंसर है मुकुंदरा हिल्स को 9 जनवरी 2012 को राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना के तहत राज्य का तीसरा राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताल छापर कृष्णवर्ग अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर है चूरू जिले में। किस जिले में सरिस्का अभ्यारण्य स्थित है, सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, उदयपुर जिले में। कौन सा एक अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए जाना जाता है, इसका आंसर है ताल छापर अभ्यारण्य। यह अभ्यारण्य चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील में स्थित है। यह अभ्यारण्य प्रवासी पक्षी कुरुंजा के लिए भी प्रसिद्ध है और काले हिरण और कुरुंजा की एक साथ संस्थली के लिए यह जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटगढ़ रावली अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, इसका आंसर है अजमेर राजसमंद पाली में टाटगढ़ रावली अभ्यारण्य संयुक्त रूप से स्थित है। राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य है, इसका आंसर है भरतपुर। राजस्थान के भरतपुर जिले में केवला देव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान, जिसे घना पक्षी उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, स्थित है, जिसकी स्थापना 1956 में की गई, जिसे 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। यह अभ्यारण्य यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा पाने वाला राज्य का एकमात्र अभ्यारण्य है, जिसे 1985 में राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा दिया गया। घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, यहाँ का मुख्य आकर्षण है, इसका आंसर है साइबेरियन क्रेन घना पक्षी विहार का मुख्य आकर्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई, इसका आंसर 1981 ईस्वी में। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। इस अभ्यारण्य में आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है। राज्य में सर्वाधिक गोडाउन पक्षी पाए जाने के कारण इसे गोडाउन की संस्थली भी कहा जाता है। घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है, तो इसका आंसर है सरिस्का। और रणथंभौर अभ्यारण्य घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षण करने के लिए महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है। सरिस्का एवं रणथंभौर किन जानवरों के लिए संरक्षित है, इसका आंसर है बाघ के लिए। मानसी वाकल और सोम नदियाँ किस वन्यजीव अभ्यारण्य से गुजरती हैं, इसका आंसर है फुलवारी की नाल से मानसी वाकल और सोम नदियाँ गुजरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में फैला हुआ है, तो इसका आंसर है जैसलमेर बाड़मेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान फैला हुआ है। नेक्स्ट, मरग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर है विश्नोई जाति मरग संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, किस जिले में आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है, इसका आंसर है जैसलमेर जिले में। नेशनल वुड फॉसिल पार्क मरु उद्यान जैसलमेर के आकल गांव में स्थित है। यह 18 करोड़ वर्ष पुराने 25 काश जीवाश्म भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है, इसका आंसर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर विश्व प्राकृतिक धरोहर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, गांगेय सूँस स्तनपाई किस अभ्यारण्य की विशिष्ट पहचान है, इसका आंसर है चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की विशिष्ट पहचान गांगेय सूँस स्तनपाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेत का तीतर के नाम से कौन सा पक्षी प्रसिद्ध है, ये किस अभ्यारण्य में पाया जाता है, इसका आंसर है बटबड़ जो गजनेर अभ्यारण्य में पाया जाता है। गजनेर अभ्यारण्य राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, इसका आंसर है रणथंभौर राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट, देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना जिसमें बाघ बघेरे नीलगाय चीतल रीछ जरख एवं चिंकारा आदि पाए जाते हैं, इसका आंसर है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ऐसा उद्यान है जिसमें सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना जिसमें बाघ बघेरे नीलगाय चीतल रीछ जरख एवं चिंकारा पक्षी पाए जाते हैं। नेक्स्ट, कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर अर्थात वर्ल्ड हेरिटेज में घोषित किया गया है, इसका आंसर है रणथंभौर अभ्यारण्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे कबूतर राजस्थान के किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है सरिस्का, अलवर में हरे कबूतर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? इसका आंसर है 25। राजस्थान में 25 वन्य जीव अभयारण्य हैं। राजस्थान में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थान में कौन से हैं? तो इसका आंसर है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और जंतर मंतर यूनेस्को में विश्व धरोहर हैं। इसके अलावा राजस्थान के 6 किले भी विश्व धरोहर में शामिल हैं। तो ये थे हमारी वन्य जीव अभियान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और हमारे किसी भी क्वेश्चन में संशय हो तो कमेंट जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमारे सभी व्यूअर्स का लाभ उठा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।